लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, 45 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी। बाय। मैं एक अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। बस यही रुको। ठीक है मैडम, नाइट चार्ज लगेगा। मैडम आपके पास छुट्टा नहीं है? मैडम कोई बात नहीं, रख लो। शुक्रिया मैडम। मैडम फोन भूल गई है। अरे दरवाजा क्यों बंद किया? ये क्या कर रहे हो तुम? गलत कर रहे हो जी, तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। धोखा दिया है तुमने मुझे। प्लीज मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो प्लीज। सपना या आभास क्या होता है, वो हम क्यों देखते हैं, सपना सच होता है या नहीं? दुनिया में तकरीबन हर इंसान सपने देखता है, फिर वो छोटा हो या बड़ा। ड्रीम्स, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। सर, सपने सिर्फ इंसान ही देखते हैं या जानवर भी देख सकते हैं? मैं तो इंसान हूँ, मैं सिर्फ इंसानों की बात कर सकता हूँ। सर सपना क्या है? हम सोते वक्त सबकॉन्शियस माइंड से जो भी देखते हैं उसे कहते हैं सपना। हमारे आसपास के वातावरण से, रोजमर्रा के कामों से, रोज मिलने वाले लोगों से हमारे सपने जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन जब छोटा था वो क्रिकेट का दीवाना था। वो 24 घंटे ग्राउंड में रहने के सपने देखता था। वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है और आगे की कहानी आप सब जानते हैं। आपका मतलब सपने सच होते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते। मैंने एक टीवी शो में देखा था, शाहरुख खान था। उसे सपना आया कि वो सुपरस्टार हीरो बन गया है। उस समय वो फिल्म लाइन में आया नहीं था, लेकिन कुछ सालों के बाद वो बड़े पर्दे पर नजर आया और आज वो कहाँ है? सर मैंने भी एक सपना देखा है, क्या वो सच हो जाएगा? तुम तो काफी एक्साइटेड हो, बताओ क्या सपना देखा है? सनी लियोनी के साथ डिनर पर जा रहा था सर। अच्छा। हाँ सर। डिनर पर थोड़े ही जा रहे थे, चाय पीने जा रहे थे। आपको कैसे पता चला? डिनर पर तो मैं जा रहा था,
सर आपको क्या लगता है, ये वाला सपना सच हो सकता है? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन एक दिन होगा जरूर। फिर हार गया है अपने मोबाइल में घुस गया। लगता है इसकी शादी मोबाइल से हो गई। लड़की देखने आया है ना, कुछ खाने के लिए भी नहीं, हमारी कोई इज्जत है भी या नहीं? लड़की आ गई क्या? आप लड्डू खाइए, मेरी बेटी आती ही होगी। खाइए लड्डू। लड़की आ गई क्या? आप खाइए, वो आती ही होगी। खाइए। हम यहाँ बैठे बैठे मिठाइयाँ ही खाते रहेंगे या शादी की बात भी करेंगे? क्या है ये? अब तो आप लड़की को बुला दीजिए। हाँ अभी बुलाता हूँ। हाँ। अरे सुनो, उन्हीं वाला दूल्हा किधर है? वो क्या वहाँ बैठा है? लेकिन साथ में जो बुढ़ा है उसकी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? हाँ देखो ना। पिताजी आपने कुछ सुना क्या? आप हम सबकी इज्जत उतारवा देंगे। अरे उनकी बात छोड़ो, उनका यही काम है, उन पर ध्यान मत दो। क्यों सही है ना? क्या हुआ? पता है होने वाला दूल्हा सारी मिठाई ना। ये क्या, तुम्हारी बेटी को अकल नहीं है? लड़का बाहर इंतजार कर रहा है और वो कहीं घूमने चली गई है, और वो होने वाला दूल्हा दुल्हन किधर है? दुल्हन किधर है की रट लगाकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। उन्हें खाने के लिए कुछ मिठाई दे दीजिए ना। वो तो कब की खत्म हो चुकी है, उसने मिठाई भी खत्म कर दी और थाली चाट कर साफ भी कर दी। आपको नहीं लगता है कि वो जानबूझकर ऊंची आवाज में बात कर रहे? हाँ वही तो। धीरे बोलिए। हाँ वही तो। चलो चलकर देखते हैं किधर है वो। तू कहाँ चली गई थी?
पता है पिताजी, विमला को देखने लड़के वाले आए थे। लड़की को सजाना, उनकी खातिरदारी करना सब कुछ मैंने किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बड़ा मजा आया। बकवास बंद कर, ये शादी के लायक है या नहीं मुझे नहीं पता। अब तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? तैयार करो इसे। लड़के वाले आ गए हैं, अब चल यहाँ से। क्या दूल्हे को सच्चाई पता है? पता होता तो क्या यहाँ आता था? पिताजी, ये लोग लड़की के बारे में कुछ कह रहे हैं। जाने देना, क्या फर्क पड़ता है? अगले शादी तो बाद की बात है ना, आज सिर्फ लड़की पसंद करनी है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुन, लड़के के सामने अपना मुंह मत खोलना। अगर उसने कुछ पूछा तो उतना ही जवाब देना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत देर हो रही है, चल यहाँ से। माँ, अभी बता देती हूँ, लड़का पसंद आया तो ही शादी करूंगी, और अगर शादी के लिए जबरदस्ती की ना तो मैं सबकी पुलिस में कम्प्लेन कर दूंगी। हाँ चुप कर, चल यहाँ से। बेटा सो मत, वो आ गई है। बैठो बेटी। ये तो बहुत सुंदर है पिताजी, मैं इसी से शादी करूंगा। मुझे भी सुंदर लगी। ये तो सिंगल पसली है, मैं नहीं करूंगी शादी। अब चुप कर तू। हाँ कर दे, बहुत अच्छी है। मेरी बेटी से कुछ पूछना चाहते हो बेटा? तुम कितनी पढ़ी हो? तुम नहीं, आप बोल। आप कितनी पढ़ी है? 10th क्लास, फर्स्ट क्लास मार्क्स आते हैं इसके। अच्छा है? गाना गाना आता है? गाना गाना, अरे बहरे भी सुनने लगते हैं जब ये गाती है तो। और खाना बनाना? इसे खाना ही नहीं, बहुत कुछ बनाना आता है बेटा। पिताजी लगता है ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। लगता है आपके बेटे को लड़की पसंद है। कहने में शर्मा रहा है। आपको मेरी बेटी पसंद आई बेटा? हाँ, मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राम, तुम अपना मुंह बंद करके चुप बैठो प्लीज। इसे रोके मत, ये जो कहना चाहती है इसे कहने दीजिए। तो चले, आपको कुछ बात करनी थी। तुझसे क्या बात करूं? आप किससे बात कर रही? देखो मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अब सुनो। अब अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो अंदर जाकर कह दो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, चल जा। लड़की पसंद आई बेटा? पसंद नहीं, बहुत पसंद आई। अबे बीच में क्यों खड़ा है? पौधे में तू कुछ बोलेगा भी? My name is Raj, सन्यासी राज। तुझको है बहुत खाज। बीच रास्ते में क्या कर रहे हो? Smuggling। क्या कहा? उसकी टोपी इसके सार, मतलब इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। ये तो पक्का फ्रॉड लगता है, इससे बच के रहना। तू ही लड़की देखने आया था ना? नहीं नहीं, लड़की देखने ही आया था। मैं हूँ लड़का, अंधा है क्या? शादी होने के बाद तेरी कितनी लगने वाली है तुझे बताना होगा। चल बेटा खोपचे में बता। बेटा उससे बच के रहना। छोटे ये बता, जब तू लड़की देखने आया था तो क्या तुमने इंतजार किया था? हाँ इंतजार कर रहे थे और मुझे नींद भी आ गई थी। और इंतजार करते वक्त मुझे लड्डू, पेड़ा, इमरती, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और गाँव की पूरी मिठाई की दुकान खिला दी गई थी, है ना? ऐसा लग रहा था कि मिठाई की दुकान की ओपनिंग के लिए क्या वो होने वाली। तुझे देख कर अपनी माँ से खुशफुस कर रही थी। खुशफुस ही नहीं, उसने मुझ पर कमेंट भी मारा। अब मेरे जैसे स्मार्ट लड़के को उसने नहीं छोड़ा तो तेरा जैसा ताश के 53वें पत्ते को कैसे छोड़ती? बता सही कह रहे हो कि नहीं? सही कह रहे। अच्छा मुझे एक बात बता, उस लड़की के पिता बार बार तुझसे ये पूछ रहे थे ना कि लड़की पसंद आई? बार बार पूछ रहे थे? वो उसका फादर है या ब्रोकर? उसका बाप है बे। फॉरम ही। कितनी दूर जाना है सन्यासी राज? थोड़ी दूर। क्या उस लड़की ने तुझे बाहर लाकर पूछा कि शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे शादी मत करो, अगर इज्जत बचाना चाहते हो तो शादी मत करो। एग्जैक्टली यही कहा। चिल गोजे, फिर भी तूने हाँ क्यों कहा? अबे बोलना। उसे देखते ही ना मुझे कुछ कुछ होने लगा। कुछ देर में कुछ नहीं होगा, बस जवानी फूट रही है। लड़की के बारे में जानता भी है तू? अरे बाप रे बाप रे, सन्यासी आप तो मुझे टेंशन दे रहे हो। आखिर हकीकत क्या है ये तो बताइए। सनी लियोन ने स्टेज पे डांस कर दी है तो तू क्या उसे ऑडियंस के साथ बैठकर देखेगा या स्टेज पे जाके देखेगा? तो डायरेक्ट स्टेज पर चले, स्टेज से उतर जाएगा। कल आ जाना, लाइव दिखाता हूँ। सनी लियोन यहाँ वाली है, पकौड़ा मत कर, उससे भी बढ़कर चीज दिखाऊंगा। सन्यासी उससे भी बढ़कर क्या हो सकता है? ये? 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 ये?
सन्यासी राज जी, यहाँ क्या हो रहा है? इतने सारे लोग मेरी होने वाली दुल्हन के घर क्यों? चप्पलगंजू, वहाँ तो कुछ ही लोग आते हैं। यहाँ देख, यहाँ पूरा का पूरा गांव आया हुआ है। ओ भाई साहब, इतना रो क्यों रहे हो? मेरा बच्चा लापता हो गया है। क्या कहा? तुम्हारा बेटा लापता हो गया? अरे नहीं, मेरी गाय ने बछड़ा दिया था, वो लापता हो गया है। ऐसा आदमी है, ये तो ऐसे रो रहा है जैसे इसका अपना बच्चा खो गया है। कमाल है। वो देखो आ गई, हम लोगों के सपने देखने वाली, हम लोगों के सपने देखने वाली। मम्मी, कॉफी। अभी लाती हूँ। आइला। ये सारे गांव वाले यहाँ क्या करने आए? ये सारे भक्त हैं। तेरी होने वाली आइटम त्रिपुरा की भूतवाणी सुनने आए। आकाशवाणी सुनिए, भविष्यवाणी सुनिए। ये भूतवाणी क्या है? भूतवाणी मतलब उसे सपने आते हैं, उसे आभास होता है। बहुत दुखी हूँ, अब आप ही मेरा दुख दूर कर सकती हैं। क्यों, क्या हुआ चाचा? अब तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी प्यारी सी गाय का प्यारा सा बछड़ा लापता है। उसके बारे में जो भी सपने में देखा हो जरा याद करो और बताओ कि वो कहाँ है। तुम्हारा गाय का बछड़ा गांव में नहीं है, बछड़ा कसाई की दुकान पर है। अरे बाप रे। लेकिन वो रात को घर आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब मुच्छड़ रात को इसलिए मेरे घर आकर मेरे बछड़े के बारे में पूछ रहा था। सही समझे। देखना मैं उसका क्या करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मुच्छड़ को। मुझे क्या पता था कि वो बछड़ा तेरा है, मैं तो तुझसे यूं ही पूछ रहा था, अभी क्या इसके लिए मुझे मारेगा? ये क्या है सन्यासी, उस लड़की की बात पर ये लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं? अबे मुन्ने, तू रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? देखता हूँ। आपकी क्या परेशानी है? बात ऐसी है बेटी, मेरा बेटा अमेरिका में है, उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरी पहचान वालों में से लड़की आए, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि उसकी पहचान वालों में से लड़की आए। अब हमारा बेटा किससे शादी करेगा, इसके बारे में तुम कुछ बता सकती हो बेटा? इतना क्या सोच रही हो बेटा? हाँ, मैंने इसके बारे में भी सपना तो देखा था। हाँ, ग्रीन कार्ड के चक्कर में उसने गोरी से शादी कर ली। हाँ। नहीं, मैं नहीं मानता। यस, मैं भी नहीं मानता। अबे तेरा बाप भी मानेगा, ये त्रिपुरा की भूतवाणी है। चलो देखते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, आपका लड़का दूध का धुला नहीं है। सुनिए जी, अलर्ट हो गया। क्या हुआ? अमेरिका से अपने बेटे का फोन आया था, उसने एक गोरी लड़की से शादी कर ली है। तुम ही बताओ कैसा जमाना आ गया है, हमने जो सपने देखे थे सब चकनाचूर हो गए। चलिए ना। हे भगवान, ये क्या कर दिया उसने? मेरे भाई सन्यासी, ये सब क्या हो रहा है? हमने भी बहुत बड़े बड़े ज्योतिष देखे हैं, लेकिन अपनी त्रिपुरा की भूतवाणी अनबीटेबल हाई। दिमाग खराब कर दिया। क्यों, जो सपने में देखती है सबको बताना जरूरी है? बिना बोले नहीं रह जाता क्या? क्यों, मैं क्यों ना बोलूं? आपका होने वाला दामाद भी शादी से पहले मेरा चुम्मा ले चुका है। चुम्मा ले चुका है? You mean to say lip lock? दामाजी आप? हम चुम्मा ले चुके सनम, ये तो सिर्फ सपने में हुआ था। आप अपना ये ड्रामा बंद कीजिए। अब ये बताओ, सपने में तुमने चुम्मा लिया था ना? छी छी, सपने में भी तुम्हारा चुम्मा नहीं लूंगी, मुंह तोड़ के रख दूंगी। हाँ। अगर सपने में तुमने मेरा चुम्मा नहीं लिया तो आखिर तुमने चुम्मा लिया किसका? दामाजी आप ऐसी बातें दिमाग से निकाल दीजिए, मेरी बेटी बहुत अच्छी लड़की है। ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसने चुम्मा लिया किसका? अभी ये नादान है, एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा, शादी? हाँ? वो भी इस लड़की के साथ? अगर हाँ? मेरी शादी इस लड़की के साथ हुई तो मुझे घर आए सारे लोगों की चाय पिलाकर सेवा करनी पड़ेगी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे चाय वाय नहीं बेचनी, मुझे शादी नहीं करनी। दामाजी, मेरी बात तो सुनिए। अरे छी, मैं पागल हो गया, तेरे इन सपनों ने मुझे पागल करके रख दिया है। तुझसे शादी करने के लिए एक भी लड़का नहीं मिलेगा, जितने लड़के तुझसे शादी करने आए वो पागल होकर भाग गए यहाँ से। अरे तुम अपने सपनों के बारे में लोगों को बताना कब बंद करोगी, और तुम्हारी शादी कब होगी ये सोचकर पागल हो रहा हूँ। अब तुझसे शादी करने के लिए कोई भी लड़का नहीं आएगा, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा। मुझे कुछ दिखाई देता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस बंद कर, वरना गला घोट कर मुंह डालूंगा। मुझे पता चल चुका है कि मेरी शादी किससे होने वाली है। हमार जान बुलाई लार, हम चला लाई।
यार टाइम पे आया हूँ। मेरी टाइमिंग बड़ी तगड़ी है। घर में छोरा तो गांव में काहे का ढिंढोरा। अक्की दुनिया में लड़का ढूंढ रहे हो, जरा अपन पे भी तो नजर मारो। एक बार इसका हाथ अपन के हाथ में दे दिया, फिर जिंदगी भर अपन इसको खुश रखेगा। मैं जानता हूँ तू सपने में जिस राजकुमार को देखेगी वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। और हाँ, सपने में जो अपनी शादी का बैंड बजेगा ना, उसमें सुनना बप्पी लहरी के गानों का योगा। अरे क्या हुआ, नहीं पसंद है तो अभी सपना देखना बंद कर, और अगर दुनिया को बताया तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा। उसने सपना देखा तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तू अपना मुंह बंद कर। हाँ? तेरे लाड प्यार की वजह से ही बिगड़ी है ये। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया, ये जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। दिल करता है सर फोड़ लूं अपना, सबने पागल बना दिया मुझे। बिल्कुल अमेरिका के व्हाइट हाउस जैसा दिखता है सर। घर के अंदर जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। आइए आइए, देखिए बाहर से ही देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पूरे एरिया में आपको ऐसा सुंदर घर कहीं नहीं मिलेगा। अपनी बकवास बंद करो, क्या बकबक लगा रखी है? ये सब स्कूल के बच्चों को समझाना मुझे नहीं। सर आप मुझसे कह रहे हैं? तुम्हें नहीं, फोन पे मेरी आइटम है। ओह, आइटम बोलो है। सर उन्हें भी दिखाई दो। बस अभी अभी पहुँचे हैं, चलो अंदर चलते हैं। हाँ मेरी जान, हम अभी अंदर जा रहे हैं। क्या सर आप भी लाइव कमेंट्री सुना रहे हैं क्या? दाहिना पैर आगे बढ़ाकर प्रवेश कीजिए। अंदर घुस रहे हो, बाहर से अच्छा है। तुम चलो। आइए सर आइए। देख लीजिए सर ये हॉल है। अरे चुप बैठ, मैं देख रहा हूँ ना। तुमको नहीं बाबा, फोन पे मेरी आइटम है। बात आइटम से कर रहा है लेकिन सुना मुझे रहा है। बताइए आपको कैसा लगा, बाहर से व्हाइट हाउस और अंदर से राजमहल? कोई राजमहल नहीं है, मेरी बात सुन। तेरा ये ड्रामा बंद कर। ड्रामा बंद करूं? अरे तुमको नहीं बाबा, फोन पे मेरी आइटम है। अरे साहब आप जरा उस तरफ जाकर बात कीजिए। हाँ मेरी जान बताओ। आप मेरे साथ ऊपर चलिए, क्या मस्त घर है, देख कर खुश हो जाएंगे आप। अभी हम लोग पहले माले पे जा रहे हैं। देखो तुम बहुत बनी रहना, अभी तक तो घर बहुत अच्छा है। मेरी जान तुम्हारी आवाज कैसी? लगता है इस टूटी हुई दीवार से आ रही है। देखिए ना, तुम अपनी बकबक बंद करो, हमें अपने घर सही सलामत पहुंचना है। जरूर इस घर में कोई बुरी आत्मा है। और मेरे कमीशन का क्या होगा? आड़ में गया तेरा कमीशन, देख नहीं रहा मेरे साहब को क्या हो गया? हाँ। इस आदमी को इस दीवार पर ऐसा क्या दिखा कि ये इतना डर गया? एक बार फिर से मेरा कमीशन गया। पापा हम लोग लौटते वक्त हैदराबाद में जू देखने चलेंगे ना? हाँ जरूर बेटा, और जू जाकर तुम्हारी मम्मी और दीदी को भी वहीं छोड़कर आ जाएंगे। पिताजी मजाक मत उड़ाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुझे सर दर्द हो रहा है? तू तो दूसरों के लिए सर दर्द है, ये बात तो सभी जानते हैं ना। बेटी अगर तुम्हें सोना है तो एसी तेज करो। नहीं, नहीं, इसे सोना नहीं चाहिए, इसके सोने से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। सोने से किसको प्रॉब्लम होती है सर? अरे ये सोती है तो सपना देखती है। सपने तो सभी देखते हैं। गलत ये है कि इसके सारे सपने सच हो जाते हैं। दिन में देखे हुए सपने सच होते हैं क्या? मेरा कोई सपना आज तक सच नहीं हुआ। ये अंधविश्वास है सर, मैंने भी सपना देखा था कि मेरे पास BMW कार है और उसे चलाने के लिए ड्राइवर भी है, लेकिन अच्छा? देखो मैं क्या कर रहा हूं? पर मेरी बेटी के सपने सच होते हैं मुंगेरी लाल। ये अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। अच्छा बेटी क्या तुम्हें मेरे बारे में सपना या आभास हुआ? बिल्कुल अपना मुंह बंद रखना, अगर कुछ बोला तो देखना। ठीक है सर, मैं तो आपका अंधविश्वास दूर कर रहा था। अच्छा सुनो, हैदराबाद जाके मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए ऐसा कुछ सपना देखो ना। मुझे आभास हो रहा है कि टायर पंक्चर होगा। अरे स्लो 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 कर स्लो कर। अरे सर आप घबराइए मत, मेरे चारों टायर नए हैं। आपकी बेटी ने जो बोला ऐसा नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। नए टायर
चारों के चारों नए टायर है, कुछ नहीं होगा। हो गया ना सपना सच, अब जाकर टायर बदल। देखा, सही कहा था ना? एह, कितने सुंदर पक्षी है ना पिताजी, वहाँ बहुत सुंदर पक्षी है, हम दोनों देखने जाएं? हाँ चली जाओ, अच्छा होगा। संभल कर जाना बेटा, अगर ये लोग पक्षी देखने जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। ऐसे मुंह चलाते रहोगे तो हम और भी लेट हो जाएंगे। आज चलाओ जल्दी। हैदराबाद पिकनिक जा रहे हो क्या? किसी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, बेटी का इलाज कराने जा रहे हैं हैदराबाद, और यहाँ फंस गए। अब पता नहीं क्या हो गया इसे, चलो चल कर देखते हैं। बेटी ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? आर यू ओके? हमें कुछ नहीं हुआ, गलती हमारी ही थी, सॉरी। ओह थैंक गॉड। बाय द वे, हमें यहाँ से नासिक जाना है, यहाँ से कैसे जाते हैं? ओह नासिक जाना है, यहाँ से 5 किलोमीटर जाने के बाद एक छोटा सा गाँव आएगा, वहाँ एक छोटा सा मंदिर होगा, वहाँ भूत है, आप सावधान रहिएगा। अगर वहाँ से सीधे जाएंगे तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, और दाएं मुड़ेंगे तो 45 मिनट में पहुँचेंगे, लेकिन दाएं मुड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। क्यों, उस रूट में क्या है? रूट खराब होगा। कुछ नहीं पता है आपको, उस जगह औरत की मौत हो गई थी और वो भूत बनकर भटक रही है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। हाँ सच में वहाँ पर भूत है, वहाँ से बिल्कुल मत जाइएगा। फिर से शुरू हो गई, बंद करिए बकवास, इसकी कहानी पर विश्वास मत करना साहब, चलो इधर से चलो। लेकिन वो नहीं बचेगा, अपना ये पागलपन, इसके पास कार है, उसे जहाँ पहुँचना होगा पहुँच जाएगा। दीदी आइए आइए। चीचा जी आप कैसे हैं? अंदर आइए ना। कैसी हो? नमस्ते। अच्छी हूँ। कैसी हो तुम? अंदर आओ। सफर कैसा रहा चीचा जी? वो इससे पूछो कि सफर कैसा रहा, डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ, तेरा पागलपन अभी तक गया नहीं? पागलपन नहीं, मुझे जो आभास होता है ना वो सच होता है। हाँ। अच्छा पता है, तेरे मौसा जी ने मुझे दुबई से 1 लाख रुपए भेजे हैं। आपको तो सिर्फ 1 लाख भेजे हैं, मेरे पिताजी को 3 लाख भेजे हैं। क्या? मुझे आभास हुआ था। अरे चुप बैठ, कब कहाँ क्या बोलना है तुझे समझ नहीं आता? पता नहीं कब तेरा मुंह बंद होगा, झगड़ा करवाने में। नहीं हो सकता, मेरे पति ने मुझे पूछे बगैर ही तुम्हें 3 लाख रुपए दे दिए। अरे अरे पगली है, इसकी बातें दिल पे मत लो, रोना बंद करो, हाँ चुप हो जाओ। कैसे अंकल, कैसे बनने? अरे मिमिक्री आर्टिस्ट कहाँ से आ गए? अंकल क्या बात करते, मन की शांति विजय शांति। मैं हूँ ना राज, सन्यासी राज, यश राज, आदमी कम रिस्क ज्यादा। एक्टर साहब ये कैसा गेटअप है? अरे माँ हैदराबादी, क्यों कैसा लगा तेरे को? अरे एक्टर की औलाद यहाँ भी पहुँच गया, हमें शांति से नहीं जीने देगा। अंकल हैदराबाद हो अहमदाबाद हो, आपन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझको त्रिपुरा का बहुत फिक्र है, इसीलिए तो मैं इधर आया हूँ। मैं भी तो इसके रोज सपने देखता हूँ, हम साथ साथ है, हम दिल दे चुके सनम। अरे प्यार किया तो डरना क्या, क्या बोलते बाप? इसका इलाज करवाओ, त्रिपुरा के साथ इसे भी ले जाऊँ? ये तो ऐसा ही है, बचपन से ही निकम्मा हिंदी फिल्में देख कर बड़ा हुआ है। भाभी क्या बात कर रही हो आप, इनके सामने मेरी इज्जत का फालूदा मत करो। अबे एक्टर, तुझ जैसे इंसान की भला यहाँ कौन इज्जत करेगा, चल दफा हो जाए यहाँ से। अब बस भी कीजिए, हम दोनों तो किसी भी वक्त वापस लौट जाएंगे, त्रिपुरा को हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना, इसीलिए मैंने इसे बुलाया है। हाँ सासू माँ, इस जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। अच्छा ठीक है तैयार हो जाओ, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, हमें टाइम पर जाना होगा। अच्छा तो यही है वो लड़की जैसे सपने आते हैं? जी हाँ डॉक्टर, इसीलिए हम इसे यहाँ लाए हैं। ठीक है परेशानी की कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर ईश्वर को जरा मेरे कैबिन में भेजो। डॉक्टर ईश्वर आज आए नहीं है सर। आए नहीं? हाँ सर। अच्छा ठीक है, डॉक्टर नवीन को भेज दो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। आओ नवीन। ये क्या करने वाला है? ये हैं शिव नारायण जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। हेलो सर। हेलो। और ये है इनकी बेटी त्रिपुरा। मैं हूँ सन्यासी राज, इसके सपनों में रोज आने वाला राजकुमार। त्रिपुरा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पीड़ित है।
कैसी प्रॉब्लम? इसके सपने सब सच हो जाते हैं ऐसा उससे भ्रम है। उसका इफेक्ट तो छोटा ही है लेकिन उससे मेरे दोस्त बहुत परेशान हैं और इसलिए यहाँ आए हैं। तो तुम इसका क्या प्रॉब्लम है वो देखो और ट्रीटमेंट दो। जी देखता हूँ सर। त्रिपुरा तुम 3 दिनों के लिए डॉक्टर नवीन की निगरानी में रहोगे। नहीं मैं नहीं रहूंगी। क्यों क्यों नहीं रहोगी? तू सिर्फ पापा मैनुअल करने दे। वो क्यों हो गया थी? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे पता है मेरी शादी किससे होने वाली है। ये वही प्रोफेसर है और कुछ बताऊं क्या? क्या यही है वो? पक्का ना? नो नको, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है। आप चाहे तो डॉक्टर मूलचंद को बुलाए, डॉक्टर प्रेमचंद को बुलाए, डॉक्टर करमचंद को बुलाए, तनु कोई भी डॉक्टर चलेगा ना कुड़ी। ये डॉक्टर यहाँ नहीं है सर। हमें कोई भी डॉक्टर चलेगा लेकिन ये डॉक्टर नहीं। मुझे पता है कि डॉक्टरों के बीच एक समझौता होता है। आप किसी भी डॉक्टर को बुलाइए, आप उन्हें फोन कीजिए, यहाँ ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अरे सन्यासी चुप कर। डॉक्टर साहब मेरी बेटी के साथ सन्यासी 3 दिन रहेगा। ठीक है अब सब आप पर है डॉक्टर साहब। हाँ हम चलते हैं। थैंक यू। आपका नाम? त्रिपुरा। पेशेंट तुम हो कि ये? मेरी होने वाली बीवी। तो क्या इलाज भी करवाएंगे? चलिए बाहर चलिए। एक बात सुन लो डॉक्टर, जो करना है मेरी आंखों के सामने करो। मैं कोई जौनपुर से नहीं आया, यहाँ का लोकल हूँ। आई एम राज, सन्यासी राज, है ना बेबी? तो बाहर जाओ। क्या बाहर जाऊं? अपनी उम्र बताइए। ट्रीटमेंट देने वाली की उम्र से क्या लेना देना? अरे देखना है तो देखो, दवाई दो, है ना मेरी डार्लिंग? उधर सो जाओ। थैंक यू। अरे बेवकूफ, तुम्हें नहीं पेशेंट को कहा है। क्या पेशेंट को कहा? ये क्या हो रहा है? ये हॉस्पिटल है या ऐसी वैसी जगह है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ट्रीटमेंट लेनी है तो अनपढ़ डॉक्टर से लो। ये जो पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं ना, इनकी नीयत बहुत खराब होती है। अरे इसे सुला कर तुम कौन सी ट्रीटमेंट करोगे? इसका चेकअप करना है। अरे सुलाकर कौन सा चेकअप होता है? तेरे जैसों की तो आरती उतारनी चाहिए और बाद में दिए को बुझा देना चाहिए। चलो बेबी चलते हैं। कमान चलो। हेलो, मुझे मालूम है तेरी नीयत खराब है। भाई साहब, अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पहचान में एक से एक डॉक्टर है। हेलो, मैं वहां ले जाऊंगा। सुनो तो, बेबी ये बताओ मेरा क्या होगा? एड्स से तुम्हारी मौत हो जाएगी। अच्छा सुनो, अगर मेरी बात सच होती है तो मेरी शादी उस डॉक्टर से ही होगी। तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होगी। ये बताओ सपना कितने बजे आया? दोपहर को 12 बजे। सपनों के शास्त्रों के अनुसार 12 बजे के सपने कभी सच नहीं होते, सिर्फ भोर के 5 बजे के सपने ही सच होते हैं। मैंने तुम्हें सपनों के बारे में बताया, ये बताओ मेरे बारे में क्या सपना देखा? अगर मैं बताऊँ तो तुम बुरा तो नहीं मारोगे ना सन्यासी? अरे तुम सिर्फ बताओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। ये बताओ सपने में डॉक्टर ने किस कलर का शर्ट पहना था? पिंक। क्या कपिंग? अगर उसके साथ कोई और रंग मिक्स हुआ तो? सन्यासी, ब्राउन कलर पहनना तो मुश्किल है ना ही असंभव है। हाँ। तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ, तुम तो पूछोगे ही इससे मुझे क्या लेना देना। त्रिपुरा सोना नहीं है क्या? हाँ, अभी आती हूँ। मैं सोने जा रही हूँ, ये भी तुम्हें पीजा। नहीं नहीं, ये पीऊंगा तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। मुझे तो फुल बॉटल वाला मामला चाहिए। वो गाड़ी में है। अच्छा, स्टेफनी के साथ रखा है। देखो सुभाष, जैसे उस लड़के ने कहा था वैसे ये छोटा मंदिर है। अब हमें सावधान रहना होगा। क्यों, डर लग रहा है क्या तुम्हें? उस लड़की ने जो कुछ भी कहा था उसे तुम भूल जाओ दोस्त। मुझे तो डर लग रहा है, हम रिस्क क्यों ले, सीधा चलो ना। छोड़ो यार, राइट लेते हैं। क्यों तुम्हें डर लग रहा है? मुझे तो रास्ता देखने से ही डर लग रहा है। शांति से बैठो, कुछ नहीं होगा। देखा, उस लड़के ने जैसे कहा था ठीक उसी बरगद के पेड़ के पास अपनी गाड़ी रुक गई। हाँ ठीक है, चल उतर। हाँ गाड़ी का कूलेंट खत्म हो गया। सुनो, डिक्की में कैन पड़ा है, उसमें कहीं से पानी भर कर लिया, ठीक है? ये कैन, वाटर, ये सब क्या है? भूत है, आत्मा है, ये सब क्या बकवास लगा रखी है? जा पानी भर कर लिया। क्यों जा? मुझे लटका रहा है। ए, जाना डरपोक। क्या यही डब्बा है?
बच्चों जैसे मत डरो, जाओ पानी ले आओ। ठीक है, जाता हूँ। हेलो पिताजी। बोलो बेटी। जब हम हैदराबाद आ रहे थे तो दो आदमियों ने एड्रेस पूछा था, पता है आपको? हाँ। वो दोनों अभी अभी मेरे सपने में आए थे। उनका सपना देखा बेटा? हाँ, वो मर गया। सपने में जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता त्रिपुरा। हम तो उस आदमी को जानते भी नहीं थे और तुम कह रही हो कि वो मर गया। देखो कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगी बेटा, ज्यादा मत सोचो। हा? थोड़ी देर आराम से सो जाओ और सपनों के बारे में भूल जाओ। मेरी बात समझ रही हो ना? सुनो, मैंने यहाँ फोन रखा था, कहाँ गया? मुझे लगा आप पिताजी के लिए लाए थे। वो फोन पिताजी के लिए नहीं लाया था। मुझे पता नहीं था इसीलिए तो। तो क्या? इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अभी वो कहाँ है? अपनी बहन के घर गए हुए हैं। तो कब लौटेंगे? चार दिन के बाद। ओफो, देखो वो फोन मेरा नहीं है, उनके आते ही वो फोन ले लेना, समझी ना? गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी, आपके शर्ट का कलर? गुलाबी। अच्छा, गुलाबी मतलब पिंक होता है? अच्छा, अगर पिंक नहीं है तो त्रिपुरा ने सपना गलत देखा। डॉक्टर नवीन पिंक शर्ट में कितने हैंडसम लगते हैं। तुम्हें कलर्स का पता नहीं, तुम्हें जॉब किसने दिया? पिंक और गुलाबी का फर्क नहीं मालूम जानी? इडियट, पिंक और गुलाबी एक ही तो है। अगर पिंक गुलाबी है तो लाल क्या है? अरे पागल, पिंक और रेड में फर्क पता नहीं है क्या? उनका शर्ट पिंक कलर का है। अरे बाप रे, तब तो आज उसका पप्पी का दिन है। अरे दादी, मैं आ रहा हूं। ये क्या किया? अरे ऐसा लग रहा था कि इमरान हाशमी सनी लियोनी को किस कर रहा है। मैंने पहली बार जुमे के दिन चुम्मा देखा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे सपनों की रानी, बैलेंस खो दिया था मैंने। टाइम खराब हो तो उठ पे बैठे को कुत्ता काट ले। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने पिताजी को ये मत बताना कि मैंने बैलेंस खोया और उसे धक्का दिया, तुम पे गिरा और लपू झपू हो गया। प्लीज, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती, बताना ही पड़ेगा। देखो मेरी शोना, तुम बाद में रोना, इस मामले को दबा दो, ये बात किसी को नहीं बताएंगे, प्रॉमिस। चलो जाने दो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वो तो मैंने बैलेंस खोया, जाने में धक्का लगा और वो तुम पे गिर गया। तुम ज्यादा मत सोचो बेबी डॉल। मेरी बेबी को चुमा लिया, तेरी को, तू ना नरक जाएगा। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है।
शर्ट का कलर नहीं पूछना है? वो तो मैं चेक कर रहा था कि त्रिपुरा का सपना सच है या नहीं। तुम जाओ। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, वो सब कुछ तो सन्यासी की वजह से हुआ। थैंक्स। तो शुरू करें क्या? मतलब ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ठीक है। वो कल रात को मैंने एक सपना देखा था। क्या देखा? वो ये कि हम दोनों पूरे शहर में घूम रहे हैं। क्या ये सच होगा? सच क्यों नहीं हो सकता। और वो सन्यासी? क्या हुआ डार्लिंग, तुमने बेल क्यों बजाया? इसने तुम्हें कुछ कहा क्या? बताओ तो, अभी तोड़ू इसे। सुन बे, बेल मैंने बजाई है। जल्दी से जाके ये दवाइयाँ खरीद के लाओ। अच्छा, ये सपने आने की दवाइयाँ? अरे कैसी बीमारी लग गई है तुम्हें। जब मैं ये दवाइयाँ लेने जाऊंगा, दुकानदार मुझसे पूछेगा किसके लिए ले जा रहे हो, तो क्या कहूंगा? ओए नौटंकी, ये दवाइयाँ हर दुकान पे नहीं मिलेंगी। तो फिर कहाँ से लाऊं? जाके भजनलाल मेडिकल शॉप ढूंढो। भजनलाल की दुकान में जाना है? अरे ये दुकान तो बहुत दूर है, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। जाओ ना। अरे सोना, तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया में पैदल छान मार लूं। सुनो, कुछ समझ ना आए तो फोन करना। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो डॉक्टर, इसके आस पास खबरदार जो तुम गए तो। वैसे ही मेरा दिल बहुत ज्यादा जला हुआ है, मेरी अमानत संभाल के रखना। चलता हूँ, किस्मत करना। ओके बाय बाय स्वीटी। बाय। देखो उड़ रहा है मन मेरा चारों, जैसे उड़ते हैं आसमां में पंछी दो। देखो उड़ने लगा है मन मेरा ये चारों, जैसे उड़ते हैं आसमां में पंछी दो। देख रहा हूँ मैं जो सपना, सच अगर वो हो जाए तो। सपने सारे सच हो जाए तो। सच हुए तेरे मेरे सपने, प्यार भरे लम्हे ये अपने। कविता के बोल सा प्यार है, सच सच हो जाए तो। कौन सी दवाई लिख के दिए डॉक्टर? भजनलाल मेडिकल स्टोर में ये दवाई नहीं मिली। अब मैं कहाँ जाऊँ यार? नहीं मिली? एक काम करो, स्टेशन के पास जाओ, वहाँ बहुत सी मेडिकल शॉप्स हैं, वहाँ मिलेगी। हाँ ठीक है, जाता हूँ। देखा नहीं तुम सा देखा नहीं, जागो ठा प्यारा जिवंदर मेरे। छूते ही हाँ तुम्हें छूते ही हाँ, बज उठे दिल के हाँ तार मेरे। प्यार तुम्हारा बरसता रहे बरसता रहे बरसता रहे, साथ मेरे हमेशा रहे, इसमें खुशी मेरे यार मेरे। खुशी से इस प्यार को तुम्हारे, सजदे किए कितने सारे तुम्हारे इस प्यारे, प्यारे मेरे। इसमें यूजलेस फेलो लिखा है तो वही दे दो ना। यूजलेस फेलो का मतलब है बेकार, नालायक आदमी। पकड़ो इसे। अपने कविता के बोल सा प्यार है, सच सच हो जाए तो। तुम्हारे साथ टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। बाय। त्रिपुरा, ये ड्रेस बहुत अच्छी है। एक बात कहूँ, मुझे ये कलर इतना पसंद नहीं है, पर मैंने सपने में देखा था कि मैं इसी रंग में तुम्हारे साथ हैदराबाद घूम रही हूँ। जानता हूँ, मैंने भी तुम्हें हैदराबाद घुमाने का सपना देखा, ऐसा ही कुछ। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, शायद ये कलर तुम्हें ज्यादा पसंद आए। इसे पहनकर हॉस्पिटल आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू। प्रसाद हॉस्पिटल से डॉक्टर नवीन चंद्रा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए ना। त्रिपुरा है क्या?
अब नहीं है। उसकी शादी है ना, तो उसके पिताजी उसे घर वापस ले गए। कुछ काम था क्या? ए अक्षर, तू सच कह रहा है ना? अगर झूठ हुआ तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। अंकल, इनके सर की कसम खाता और आपका नमक तो खाया ही है, आप मुझ पे शक कर रहे हो? मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए जल्दी कपूर पे अपना हाथ रख सकता हूँ। ये लीजिए अंकल कपूर। ये कपूर है कि कपूर की दुकान? अरे अगर इसके ऊपर हाथ रखकर मैंने कसम खाई तो मेरा तंदूर बन जाएगा। इसे अंदर ले जा, अगले दशहरे में निकालना जा। एक बात बता एक्टर, जब वो दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे थे तो तू क्या कर रहा था वहाँ? अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा था? मैं उनके साथ थोड़ी ना था, उसने मुझे दवाई लेने के लिए पूरा शहर घुमाया। उन्हें रोक तो सकता था। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेंगे, वो तो बाइक पे पूरा शहर घूम रहे थे। एक बात सुन लो अंकल, आपकी बेटी का पूरा टाका भिड़ा हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे ही लाड प्यार से बिगड़ी है हमारी बेटी त्रिपुरा। सेटिंग खराब कर। अब इस वक्त कहाँ है वो? वो जरा घूमने गई है। सन्यासी की तरह सठिया गई है तू। अगर गाँव वालों को पता चल गया तो उससे कौन शादी करेगा? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का है काम कहना। मुझे लगता है कि उसकी सारी गलती को हमें भूल जाना चाहिए और मुझसे उसकी शादी करानी चाहिए। वैसे भी अब उससे शादी कौन करने वाला है? चुप कर एक्टर के बच्चे, वरना मार डालूंगा। कोई काम का नहीं है, और ऐसी बकवास फिर से की ना तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? आपकी मदद करा। आ गया डॉक्टर का बच्चा। तू त्रिपुरा के साथ पूरा शहर बाइक में घूमे और मैं अंकल जी की गालियां खाऊं? मैं भले ही चेहरे से बेवकूफ लगता हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। अंकल जी आप इसे छोड़ना मत। हाँ अंकल, देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए। सन्यासी ने कुछ कहा? कहा ना, मैं त्रिपुरा से प्यार करता हूं। उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। आपसे बात करके मैं उसका हाथ मांगने आया हूं। यहां जो कुछ भी होगा मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। अरे जो करना था कर चुके, अब क्या बताओगे? अरे बोलिए ना अंकल। देखिए आप डॉक्टर हैं, इसलिए मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँ। डॉक्टर तो मैं बाद में हूँ, इंसान भी तो हूँ ना। मेरी बात को समझो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? सर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी करने के लिए लड़के लोग ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसे नाटक बहुत देखे हैं मैंने। एक बार फिर सोच लीजिए प्लीज। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, प्लीज आप यहां से चले जाइए। जियो अंकल जी, अब तुमको जवाब मिल गया ना, अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो निकले यहाँ से, जो पहली बार जाती है पकड़ दो और निकलो। इन दोनों के बीच क्या हुआ है? क्या पता, चलो अभी चलो। मेरे पिताजी ऐसे ही हैं, पूरे गांव के बारे में सोचते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पिताजी ने कभी प्यार नहीं किया ना, इसलिए तुम चलो चलो। तो एक बार अपने पापा को समझाने का ट्राई करो ना। ट्राई वराई कुछ नहीं करूंगी, तुमने ट्राई किया ना, तुम मेरे दोस्त हो ना। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिताजी राजी नहीं हुए। तुमने मुझसे प्यार किया या मेरे पिताजी से? बहन जी ये क्या नाटक कर रही हो, ये लड़ाई झगड़ा भी जरूरी है क्या? पहले आप नीचे उतरो और हमें जाने तो लेट हो रहा है। ये बस अब सीधा इसके घर जाएगी। अरे सुनते हो त्रिपुरा के पापा, जरा बाहर आओ। क्या बात है, त्रिपुरा ने फिर से कुछ कर दिया क्या? लड़का और लड़की दोनों राजी हैं, इनकी जोड़ी भी अच्छी लग रही है, तो शादी करवाने में प्रॉब्लम क्या? आप किसकी शादी की बात कर रहे हैं? सुनो त्रिपुरा के पापा, इन दोनों की शादी करवा दो, नहीं तो ये भागकर सरकारी शादी कर लेंगे। अरे सरकारी शादी नहीं, कोर्ट मैरिज। हाँ वही वही वही। शिव नारायण, तेरी बेटी के कहने पर भी तुम्हारी मर्जी के बिना शादी नहीं करूँगा, ऐसा कहा था इसने? कुछ भी कर लो, ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। लड़का तो अच्छा है, लेकिन ये शादी का मामला है। लड़के का कुल क्या है, गोत्र क्या है, हम कुछ भी तो नहीं जानते। त्रिपुरा के पापा, हम सब किस गोत्र से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी बेटी खुश है, वही बड़ी बात है।
ये बिल्कुल सही कह रही है। इन दोनों की शादी होगी तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा गांव आकर मेरी बेटी को आशीर्वाद दे रहा है। मैं क्यों ये शादी रोकूंगा जब आप सब चाहते हैं कि ये शादी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे साथ आप लोगों ने क्या किया? क्या शादी के लिए आप लोगों को गांव वाला नहीं मिला? आ गए मेरे सपनों का जनाजा लेकर। बचपन से मैं इसी गांव में पला बड़ा हूँ, आप मेरा साथ नहीं दोगे? मैंने इसी गांव की लड़की से प्यार किया और कोई बाहर का लड़का कैसे ले जाएगा उसे? ओ राजपाल, समझ लो लड़की तुमसे एक कदम आगे निकल गई है, उसने लड़का ढूंढ लिया है। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं काबिल नहीं हूँ? हो सकता है तुम काबिल हो, लेकिन लड़की ने तुम्हें पसंद नहीं किया। आप इन सब के सामने चुप क्यों खड़े हो? बता दीजिए इनको कि आपका दामाद मैं हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तुझे समझाने से कोई फायदा होने वाला है। मेरी बेटी की पसंद ही मेरी पसंद है। आंटी जी क्या बक रहे हैं? मेरे पति की पसंद ही मेरी पसंद तो है। अब मैं और ज्यादा नहीं सह सकता। मुझे हर्ट हुआ, मैं इस जगह सुसाइड करूंगा, अपनी जान दे दूंगा। चलता हूँ अंकल जी। हाँ कर ले सुसाइड। अब जेल में जाके चक्की पीसेंगे। चल जा जा। देखो उड़ रहा है मन मेरा चारों, जैसे उड़ते हैं आसमां में पंछी दो। देखो उड़ने लगा है मन मेरा ये चारों, जैसे उड़ते हैं आसमां में पंछी दो। दो दिलों को बांधे ये बंधन, दिलों को ये जोड़े बंधन, होके दोनों अब एक रहे। ओ, ओ। सातो जन्म साथ जिए दो, सातो जन्म साथ मरे दो, ये बंधन टूटे ना कभी। प्यारा प्यारा प्यार है। खुशियां हमारे जीवन में आई, जिसका था कब से हमें इंतजार, पाके तुम्हें ऐसा लगता मुझे, पाया है दिल ने मेरे अब करार। खुशियाँ ही हो जीवन में सदा, बनाऊ मैं सिंदूर इस प्यार को, दे दो दुआ इतनी के प्यार। क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है। मेरी डार्लिंग की वहाँ शादी हो रही है और मैं खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अंकल क्या हुआ, इतने प्यार से क्यों बुला रही हो? ये लीजिए अंकल। क्या, ये किस लिए लाई हो? आपकी खुदकुशी के लिए। क्या तुम्हारी मम्मी को पता है कि मैं मरने वाला हूँ? हाँ अंकल, मम्मी ने ही मुझसे कहा कि आपको आकर दे दूँ। त्रिपुरा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर पूरे हफ्ते की भूख मिट गई। आपने जो खाया वो तो सिर्फ सैंपल था। रुकिए रुकिए, गाड़ी रुकिए। क्या हुआ? जरा गाड़ी रुकिए ना। अगर हुआ क्या? गाड़ी तो रुकिए। अरे त्रिपुरा क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? आपने पहचाना मुझे? आप मुझसे नासिक का पता पूछ रहे थे ना, आप और आपके दोस्त? हाँ याद आया। आपके साथ जो थे, जो गाड़ी चला रहे थे? हाँ। वो अभी कहाँ है? वो तो मारा गया। मारे गए? किसने मारा? आपके मना करने के बावजूद वो उसी रास्ते से गया। उसके बाद जैसा आपने कहा था, बरगद के पेड़ के पास गाड़ी रुक गई और उसके बाद काश उसने आपकी बात मानी होती। मैं अभी उसी के बारे में बात कर रहा था। त्रिपुरा सब ठीक तो है? आप मुझे फोन दीजिए ना। पिताजी। बोलो बेटी। याद है उस दिन दो आदमी मुझसे नासिक का पता पूछ रहे थे, उनमें से एक मारा गया पिताजी। क्या कह रही हो तुम, जरा दामाद जी को फोन दो। पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो अंकल। आपको तो सब पता ही है, जरा उसका ख्याल रखिए। हाँ मैं हूं ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है। पिताजी ने क्या कहा? घर चलें। अब
हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन। सर, इस आदमी को जानते हो तुम? ईशा के पिताजी। ये यहाँ रोजाना 3 बार आते हैं। इनका कहना है कि कंप्लेन देने पर भी तुमने एक्शन नहीं लिया। सर, मैं उसी केस पर काम कर रहा हूँ। पता चला है तुमने केस भी दर्ज नहीं। सर, ऐसा नहीं है सर। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे मीडिया को जवाब देना पड़ता है। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? सर, मुझे एक बहुत ही ठोस सबूत मिला है, जल्दी ये केस सॉल्व हो जाएगा सर। सिर्फ बातें मत करो, कुछ करके दिखाओ। ये नवीन का घर है ना? हाँ। कहाँ है वो? लेकिन बात क्या है? कहाँ है वो? उसने एक मर्डर किया है, उसका सबूत है मेरे पास। अरेस्ट करने आया हूँ उसे। उन्होंने मर्डर किया? यस, रेप किया, उसके बाद मर्डर। आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे ही सारी औरतें अपने पति के बारे में ऐसा ही कहती हैं। अरेस्ट करके अंदर डालूंगा तो सच पता चल जाएगा। कहाँ है वो बताओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई और नवीन को ढूंढ रहे होंगे। तिलक, तू कब आया? सॉरी दोस्त, तेरी वाइफ को थोड़ा डरा दिया। मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। पहले ये बताइए, शादी में क्यों नहीं आए? मैं क्या करता, शादी के वक्त मैं ट्रेनिंग में था, छुट्टी नहीं मिली। सिस्टर, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी। जरूर, और आपके लिए। यहाँ कैसे आना हुआ? ईशा मिसिंग केस के सिलसिले में आया हूँ। ईशा तो मर गई थी ना, जाने दे। वो कोई चीज नहीं है कि हम जाने दे कह के भूल जाए। वो एक औरत है और ये केस मैं सॉल्व करूंगा। बहुत जल्द खूनी का पता चल जाएगा। थैंक यू। कॉफी बहुत अच्छी है सिस्टर। तुम्हारी मैरिड लाइफ भी ऐसी अच्छी हो, ऐसी दुआ करता हूँ। बाय द वे, लड़कियां बड़ी पागल रहती हैं इसके पीछे, नजर रखनी पड़ेगी। चलता हूँ। चल बाय। बाय यार। हेलो सर, नमस्ते, आप आ रहे हो ना? हाँ, बस अभी आता हूँ। ये ईशा कौन है? वो हमारे साथ काम करती थी, हमारी कॉलीग। और ये ईशा गायब कैसे हो गई? तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। त्रिपुरा, जिस बात से मतलब नहीं मत पूछा करो। ठीक है, हम अभी कहाँ जा रहे हैं? ये मेरा फार्म हाउस है, माँ ने गिफ्ट किया था। यहाँ से हॉस्पिटल दूर है ना, इसीलिए मैंने वहीं हॉस्पिटल के पास दूसरा घर ले लिया था। अंदर चलो। आइए सर, आइए आइए। मैडम आपकी पत्नी है? हाँ। क्या सर, आपने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं? वो सब कुछ सडनली हुआ ना त्रिपुरा, मैंने बताया था ना, यही तात्या है, फार्म हाउस बेचने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आप घर पर खाने पे आइए ना, मैं अच्छा बनाती हूँ, आपको पसंद आएगा। जरूर आऊंगा मैडम। त्रिपुरा, तुम जाकर फार्म हाउस देखो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए। यहाँ सुबह कोई रहता नहीं क्या? सुबह कोई नहीं रहता सर। और रात में? मैं रहता हूँ सर। कम मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे जल्दी से भेजो। 2 दिन में एक पार्टी आने वाली है सर, बार्गेन करके ये फार्म हाउस बिक जाएगा। आप हमारे घर खाने पे जरूर आइएगा। जरूर आऊंगा। आपने कहा ना कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। नमस्ते।
एक मिनट, मैं फार्म हाउस पर आ गया हूँ। दोपहर को साहब डॉक्यूमेंट की फाइल यहीं भूल कर चले गए। डॉक्यूमेंट्स बैग में ही है। मैं घर पर आता हूँ, आधे घंटे में आपके पास पहुँच जाऊंगा। आप पार्टी को तैयार रखो, मैं पहुँचता हूँ। बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से, आ रहा हूँ मैं, रास्ते में हूँ, बस ये समझो आप। अब आप फोन रखिए। चार आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। पूरी उतर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्विच बोर्ड कहाँ है? अच्छा, तो साहब की फाइल वहाँ है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। लाइट बिल भरने से भी लाइट जाती है और ना भरो तब भी जाती। राइटर जिंदा रहा। उजाला हो गया, आता हूँ, आता हूँ। कौन है? कोई नहीं है। कौन है? कौन है? हेलो, यहाँ ऊपर कोई है क्या? देखो, मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता। मैं कह देता हूँ, यहाँ जो भी है मेरे सामने आओ ना। हेलो, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं किसी से भी नहीं डरता। यहाँ जो भी है सामने आ जाओ। अब क्या सपना देखा तुमने? मैंने देखा कि वो जो ब्रोकर थे वो मारे गए। त्रिपुरा, तुम आज फार्म हाउस देखने गई थी ना, थक गई होगी, दवाई की वजह से बेहोशी है। रिलैक्स करो, ठीक है? वो ब्रोकर फोन नहीं उठा रहे हैं। तुमने उसे फोन किया? तुम्हें क्या लगता है वो फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मर गया है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। थोड़ी पॉजिटिव रहा करो त्रिपुरा। आप नहीं समझेंगे, अगर एक बार वहाँ जाकर देखें। देखो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो इंदिरा नगर P42 ब्रोकर के घर का पता, वहाँ जाओ, वो वहाँ मिल जाएगा, फिर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। देखो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो इंदिरा नगर P42 ब्रोकर के घर का पता, वहां जाओ, वो वहां मिल जाएगा, फिर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तातिया ब्रोकर का घर कहां पर है? आप वो टेंट देख रही हैं, वही उनका घर है। वहां इतनी भीड़ क्यों है? आपको पता नहीं, तातिया भाई अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? जी हाँ, कल रात को एक ट्रक एक्सीडेंट में वो मारे गए। हम चलते हैं। अरे ये क्या, घर का दरवाजा खुला है और तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उदास क्यों हो? तातिया ब्रोकर कल रात एक्सीडेंट में मारे गए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुमने जरूर कोई ना कोई कहानी बनाई होगी। छोड़ो, मेरे लिए तो ब्रोकर ही था ना। कभी तो मेरी बात सीरियस ले लीजिए, मेरा सपना सच हुआ है, किसी की जान गई है और आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक ब्रोकर था। उसे लॉरी के नीचे आते हुए देखा तुमने? सपना देखा तुमने? तुम्हारे सपनों से परेशान हो गया।
की मौत से उदास ना होकर हम थोड़ी देर खुश रह सकते हैं क्या? त्रिपुरा पिताजी, गांव में सब ठीक है ना पिताजी? हाँ, जब सबको पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो सारे गांव वाले भी साथ आना चाहते थे। दामाद जी, गांव में त्योहार शुरू होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी आएं। अरे वो मेरा यहाँ इम्पोर्टेंट सेमिनार है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। आप चाहे तो त्रिपुरा को ले जाइए, मैं इसे लेने आ जाऊंगा। चलोगी बेटी? ये मैं, मेरे पति और पुतला। मैं, मेरे पति और चार मीनार। मैं, मेरे पति और हाईटेक सिटी। अच्छा, तो इससे फोटो भी निकाल सकते हैं। एक बात बताओ त्रिपुरा बेटी, बीमार होने पर तुम्हारे डॉक्टर पति ने तुम्हें इंजेक्शन लगाया कि नहीं? अभी तो शादी हुई है, टाइम किधर होगा। क्या मौसी। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम खुशखबरी कब दे रही हो? आप भी क्या पूछती हो, अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी खुशखबर क्यों? क्यों, इसमें देर क्यों करनी? अभी उनको क्या जल्दी? अरे 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 चुप बैठो, तुम और तुम्हारी बकवास बातें। अभी शादी हुई नहीं और बच्चे की बातें करनी शुरू कर दी। अरे जरा तो शर्म करो। तुम औरतों के बीच क्यों आ गए? क्यों ना हो, मेरे होते होते रह गए, शादी का सत्यानाश कर रहे हो तुम लोग। खुद की शक्ल देख कोई तुझसे क्यों शादी करना चाहेगा? नीली साड़ी वाली मुझे गुस्सा मत दिला, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो जमीन आसमान एक कर दूंगा। क्या कर लेगा तू? तू बस सबके सामने जोकर ही बन सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे जोकर कहा? तुझे जबान संभाल के बात करनी चाहिए थी। अभी साबित कर दूंगा कि मैं जोकर हूँ या हीरो हूँ। अगर गांव में कोई मर्द है तो मेरे सामने आए, मुझसे मुकाबला करे तो पता चले। ए सुन, इससे पंगा मत लेना, तुझे पता नहीं ये खाते पीते घर से है? जी, आपकी वजह से मैं इस औरत को छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया था ना तो मैं इस औरत की बैंड बजा देता, समझ लीजिए। तू जरूर बजाएगा एक्टर, अब देखिए तेरी क्या हालत करती है। आज सबको पता चल जाएगा कि ये हीरो क्या करता है। बकवास के अलावा कुछ नहीं करता। सन्यासी, मैंने माना कि तुम हीरो हो। तुम चुप रहो बेबी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। इस जन्म में ना सही लेकिन तुम अगले जन्म में मेरी पत्नी जरूर होगी। सत्यवती, come on! याद रखना जानी, तुम्हारे ये हाथ टूटने वाले हैं। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, तुम ये चैलेंज छोड़ के जा सकती हो, क्योंकि अगर ये हाथ टूट गए तो जिम्मेदार मैं नहीं होगा। सुन लो गाँव वालों, किसका टूटता है देखती हूँ। अरे बाप रे, मेरे जैसे मर्द का अपमान कर रही हो? चलो देखते हैं इसमें कितना दम। क्यों रे, भगवान याद आ रहे हैं क्या तुझे? मैं हमेशा मदद मांगता हूँ, तुझे क्या चुप रहना? सॉरी यार, अगर तेरा हाथ टूटा तो। अरे चुप रहो तुम, मेरे हाथ का तो कचरा कर ही दिया, अब मेरी इज्जत का भी कचरा कर रही हो। वो तो मैंने औरत समझ कर थोड़ी ढील दे दी और तूने तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया, अब क्या करूँ? डॉक्टर के पास जा एक्टर। पिछले साल जिनेवा कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स ने ये सॉरी सर, एक साइकोलॉजिकल स्टडी के दौरान एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ढूंढ निकाली। उसमें एक इंटरेस्टिंग न्यूज थी। वाइफ कहाँ है? हाँ सर, तुरंत कॉल करो। उसका कॉल नहीं लोगे तो उसके मन में 1,00,000 शक उठेंगे। मैं इंतजार करता हूँ, तुम बाहर जाकर बात करो। हाँ त्रिपुरा, कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं त्रिपुरा, मैं सेमिनार में हूँ, जरा बाद में कॉल करूँ। आप घर आएंगे ना? अपने घर? हाँ। हे, ठीक है, मैं परमिशन लेकर अभी आता हूँ। त्रिपुरा, 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 अरे तुम यहाँ बैठी हो? सन्यासी ने कुछ कहा? मुझसे कहती मैं स्टेशन लेने आ जाता। फिर से सपना तो नहीं देखा तुमने? सपने में किसी की मौत हुई? चलो बताओ किसकी मौत हुई।
किसी की मौत हुई है ना? तुमने सपना ठीक से देखा था? किसकी मौत होने वाली है? Come on, नवीन, तुम इन बातों में विश्वास करने लगे? नहीं सर, मैं जानता हूँ ये सब प्रैक्टिकली रॉन्ग है, पर त्रिपुरा इन चीजों पर बहुत विश्वास करती है। अब तक जो दो सपने आए थे हकीकत में ठीक वैसा ही हुआ, ये भी सच होगा ऐसा उसका डर है। अगर दिमाग खाली है तो ऐसे ही सपने आएंगे। पत्नी की सारी बातें मानना जरूरी नहीं होता, मैं तो ऐसा नहीं करता। देखो हमारे पास लाखों केस आते ही रहते हैं और ये भी बस एक मामूली केस ही है। तुम चार दिन की छुट्टी लो और अपनी बीवी के साथ अच्छा टाइम बिताओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। May I come in? हाँ तिलक आओ, आओ। बैठो। Hey, नवीन। क्या हाल है? यूनिफॉर्म में हीरो लग रहे हो। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। क्या तुम्हें पता है नवीन की वाइफ को आए हुए सारे सपने सच हुए हैं? What? Yes. Sir. तो अभी रिसेंटली उसने क्या सपना देखा? नवीन को चाकू से किसी ने मार डाला। कांग्रेट्स यार। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनिफॉर्म में आए हो, ड्यूटी पर हो? एक्चुअली ईशा मिसिंग केस में मुझे कुछ डाउट्स हैं, मैं आपके स्टाफ के इंक्वायरी करने आया हूं। हां क्यों नहीं, इंक्लूडिंग यू प्रोफेसर। नो प्रॉब्लम, क्यों नवीन? जैसा ये चाहे। ये केस मेरे लिए बहुत खास है सर। ईशा ने इसी कलाई में राखी बांधकर मुझे भैया बनाया था। खूनी चाहे कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जरा चलता हूँ। हाँ कैरी ऑन कैरी ऑन। बाय तिलक। बाय। सी यू सर। तो शुरू करें? हाँ तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। ईशा कितने दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रही? लगभग एक महीने से। अच्छा, और आखिरी बार आपकी ईशा से बात कब हुई थी? मुझे याद नहीं। ईशा के कॉल डेटा के मुताबिक आपने उसे 8:15 को फोन किया था, क्या बात हुई थी? कुछ खास नहीं। आप हमेशा यही ब्रांड पीते हैं क्या? नहीं नहीं, फ्लेवर अच्छा लगा तो हाल ही में पीने लगा। हाल ही में मतलब? यही कोई एक महीने से। एनीवे प्रोफेसर, अगर मुझे इस केस में कोई भी डाउट हुआ तो मैं आपसे बार बार पूछताछ करता रहूंगा। और मैं बार बार जवाब देता रहूंगा। आई एम श्योर यू विल कोऑपरेट एंड आई विल सी यू सून। कान के नीचे बजाओ, सब उगल देगा, ले जाओ। नमस्ते सर। क्या केस है, रेप है या मर्डर है? बताता हूँ सर, बड़े साहब हैं। ओ बहुत सीक्रेट बात है, आते ही होंगे, बैठो। ठीक है सर। अरे बोला ना बैठो। मैं यहाँ बैठता हूँ। चमड़ी खींच दूंगा। कोई ऑटो ड्राइवर था सर, आपसे पर्सनल बात करना चाहता है। ऑटो ड्राइवर था, बुलाओ उसको। वो अरे इधर ही बेंच पर बैठा हुआ था वो। सर लगता अपना फोन भूलकर चला गया। ईशा का फोन इसके पास कैसे आया? पकड़ो उसे जल्दी। कहां गया वो, जल्दी जाके देखो। आपको कुछ होता है तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। अरे मामूली सी चोट है, तुमने तो पूरा ऑपरेशन कर डाला। आपसे किसने कहा था मुझे डराने के लिए? कितनी चोट लग गई? अरे कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, चोट लग सकती थी ना,
पता नहीं मैं क्या करती। क्या कह रही है? हम ना हाँ नमस्ते। हाँ ठीक है। कौन था वो नया ब्रोकर? कुछ लोगों को ले जाकर फार्म हाउस दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हम फार्म हाउस में जाकर रहे हैं। क्या कहती हो? त्रिपुरा क्या हुआ? यहाँ मैंने एक औरत को देखा। यहाँ तो कोई नहीं। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा कहाँ है वो? मैंने देखा था। नमस्कार साहब। सुनिए यही है वो औरत। इसे यहाँ काम करने के लिए मैंने ही बुलाया था। साहब ये मेरी बेटी गंगा है। ये बोल नहीं सकती, गूंगी है। हाँ आइए। त्रिपुरा? हाँ? चाकू कहाँ है? घर में चाकू वाकू कुछ नहीं है, मैंने सब फेंक दिया। सब फेंक दिया? लेकिन क्यों? ताकि आपको फिर से चोट ना लगे। मैंने सोचा था हम ये सेब काट कर खाएंगे। ऐसे आप भी खा सकते हैं। और कुछ भी खा सकता हूँ। तुम्हें खा लूँ मैं? चलो आज तुम्हें ही खाते हैं। जहाँ देखो शुरू हो जाते हैं। त्रिपुरा ये कैसी आवाज है? शादी की फोटो टांगने के लिए कील ठोक रही हूँ। हाँ ठीक है संभल कर। हाँ त्रिपुरा क्या हुआ? हाँ बोलो क्या? खून वहाँ तो कुछ भी नहीं है। दीवार पे खून है। कुछ भी नहीं है, खुद देख लो। मैंने अभी भी देखा था, दीवार से खून निकल रहा था। तुमने देखा ना? अच्छे से देखा? तुमने कुछ देखा? आप समझ गई? कुछ भी नहीं। चलो चलो वहां कुछ भी नहीं। क्यों नवीन, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? अब क्या बताऊं सर, मुझे चोट ना लगे इसलिए त्रिपुरा ने घर के सारे चाकू बाहर फेंक दिए। ये सोचकर कि रात को उसके सोने के बाद मैं कहीं चाकू वापस उठाकर न ले आऊं, वो पूरी रात सोई नहीं। ये बात इतनी सीरियस है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, उसका डॉक्टर होने के नाते मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन अब वो मेरी बीवी भी है इसलिए ये बात छुपानी सही समझी। पागल हो रही है सर, मुझे कहीं कुछ हो ना जाए ये सोचकर पल पल घबराती रहती है। उसके डर की वजह से मैं जितना हो सके उतना प्यार उसे देता हूँ। इससे आगे मैं और कर भी क्या सकता हूँ सर? सर एक मिनट सर, वाइफ का फोन है। हाँ बोलो त्रिपुरा। वॉश मशीन का नल लीक हो रहा है, आप किसी को भेज दीजिए ना ठीक करने के लिए। हाँ ठीक है मैं फौरन प्लम्बर को भेजता हूँ। ठीक है बाय। सॉरी सर। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम। गंगा। अरे त्रिपुरा। गंगा को उसके पापा उसके घर ले गए, शाम तक आ जाएंगे। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम जरा ख्याल रखना ठीक है। नल ठीक करने वाले को भेजिएगा। हाँ हाँ। नवीन दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रसाद हॉस्पिटल्स की तरफ से तुम जाओ। सर एक्सक्यूज मी सर। क्या
त्रिपुरा क्या हो गया तुम्हें? त्रिपुरा, त्रिपुरा बताओ क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, बताओ क्या हुआ त्रिपुरा? लगता है फिर से कुछ भूल गए। कौन है? नमस्ते मैडम, मैं प्लम्बर हूँ। सर ने फोन किया था, आपका नल रिपेयर करना है। आइए आइए, अंदर आइए। यहाँ लिखिए जी। ओके मैडम। त्रिपुरा का ख्याल रखो जी। ठीक है। हेलो एम्बुलेंस, नवीन, नवीन। सर प्लम्बर की हालत कैसी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जरा सी चोट लगी है। मुझे लगा हमें केस कर देना चाहिए, इसीलिए कॉल किया। गलती तो उसी की है, त्रिपुरा ने तो सिर्फ अपना बचाव करने के लिए उस पर हमला किया। सर केस नहीं करना है सर, बेकार की बदनामी होगी और फिर इसे भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप केस से मना क्यों कर रहे हैं? उसे सजा मिलनी ही चाहिए। त्रिपुरा तुम बीच में मत बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये बताओ त्रिपुरा, प्लम्बर का तुमसे बदतमीजी करना और तुम्हारा उसे मारना, क्या तुमने ये सपना देखा था? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कैसे हुआ? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और तुम्हें सपना नहीं आया? अच्छा नवीन के मरने का सपना तुमने देखा था, क्या ये बात सच है? मतलब जो सपना तुमने देखा था वो सच हुआ ही नहीं, और जो असल में हुआ उसका सपना तुमने देखा ही नहीं। तो सपने और सच में अंतर होता है, इसलिए ये मत सोचो कि तुम पर रेप अटेम्प्ट हुआ है और ये सब भूल जाओ। नवीन को देखो, ये तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। सपनों के बारे में सोचकर अपनी असली जिंदगी खराब मत करो। अपने बीवी को लेकर कहीं बाहर जाओ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम ऑन चीयर अप। थैंक यू सर। खुश रहो। कहां चले? रह पाऊं ना तुम्हें देखे बिना, हाँ सुनो सुनो सच में मैं तो रह पाऊं ना। आंखों में जो तुम्हारा प्यार है, हाँ सदा सदा रह पाऊं ना मैं देखे बिना। तुम ही हो जो दिल में है बसी, सपनों में भी है बसी, तुम पे ही है दिल की मेरे हर एक बात रुकी। वाह 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 वाह। आँखों में जो तुम्हारा प्यार है, हाँ सदा सदा रह पाऊं ना मैं देखे बिना। तुम्हारी है शर्मीली सी, देखो तो इन्हें जरा, प्यारी अदाएं हैं, नजरों में प्यार है, इनमें है जादू भरा। इस प्यार को समझे है मन मेरा, तुम भी समझती हो ना, कैसे बताऊं किसको बताऊं कितना है ये मन भरा। देखो देखो हुआ मैं परवाना, देखो देखो हुआ मैं मस्ताना,
कभी कभी लगता है ऐसा मुझे पूरा पूरा बन जाऊं ना दीवाना वाह 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 आंखों में जो तुम्हारा प्यार है हाँ सदा सदा रह पाऊं ना मैं देखे बिना नजरें झुकाना तुम्हारा वो प्रेम से मुस्काना देख के उसे तन मन में मेरे होता है क्या क्या जाना ऐसा कभी तो साथ मेरे पहले ना हुआ मीठा सा एहसास मेरे मन में आज हुआ सुनो सुनो दिल की ये मेरी सदा प्यारी प्यारी हर एक तुम्हारी अदा धक धक दिल ये करे है मेरा प्यारा प्यारा तुमसे ना कोई प्यारा वाह 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 जो तुम्हारा प्यार है हाँ सदा सदा रह पाऊं ना मैं देखे बिना क्या बात है क्या बात है कितना बड़ा घर है त्रिपुरा कैसे आना हुआ? क्या बताओ तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए थे इसीलिए चला आया। सच बताओ अरे मैं यहाँ एक ऑफिशियल काम से आया हूँ अभी बताता हूँ रेडी सर आइए 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 इनसे मिलिए नमस्ते नमस्कार कशी आए तू सगड़ भरा ना अरे ऐसे क्यों देख रही हो अरे रे 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 समझा नमस्कार बेटी सब ठीक है ना मैं ठीक हूँ ये रेड्डी साहब है मेरे बहुत पुराने मित्र बहुत अच्छे आदमी है इनका कोल्हापुर में बहुत बड़ा कारोबार है इनके बेटे को हीरो बनना है और ये इनका बेटा रेडिसन नमस्ते इसने जब से होश संभाला है ना हीरोगिरी से बाहर आता ही नहीं है इसलिए मैं इसको हीरो बनाकर ही रहूंगा यही मेरी तमन्ना है चल बेटा पैर छू अरे अरे क्या कर रहा पैर छू लिया ना आशीर्वाद ले लिया ना चल उठ अबे अरे कुछ नहीं इसे मराठी हीरो बनाना चाहते थे कॉम्बिनेशन कलर के कारण सेट नहीं हुआ इसीलिए इसे यहाँ लेके आ गए हैं यहाँ के डायरेक्टर को मैं जानता हूँ इसकी ऐसी सेटिंग कराऊंगा कि लंच हो जाएगा लंच नहीं सुनिया से लॉन्च अरे इज्जत का फालूदा मत करो हाँ वही लॉन्च ऐसा है कि हम लोग यहाँ तीन चार दिन रहेंगे तुम आ कर दो ना ठीक है आइए आप लोग अंदर चलो हीरो टेंशन मत ले तेरा तो लॉन्चिंग होके ही रहेगा अभी अरे बाबा त्रिपुरा क्या बड़ा घर बनाया तुमने बेवकूफ कहीं के नहाना कहाँ है नहाने के लिए बाथरूम है ना क्या गंगा इन्हें गेस्ट रूम में लेकर जाओ ये औरत कौन है लगता है जैसे खा जाएगी हमें ये मेरी नौकरानी है गंगा ये बोल नहीं सकती नहीं मुझे इसके हाव भाव ठीक नहीं लगे आंखें देखो चुड़ैल से कम नहीं है वैसे तुम चिंता मत करो मैं इसको तीन चार दिन में ठीक कर दूंगा तुम जाओ 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 गंगा इन्हें ले जाओ हे डैड आप इधर फाइव स्टार होटल नहीं है क्या होटल चाहिए तुझे हमारा खुद का प्रोडक्शन है ये अभी से इतने खर्चे करेंगे तो रोड पे आ जाएंगे जल्दी बेटा पहले हमारी फिल्म रिलीज तो होने दो हिट तो होने दो उसके बाद मैं तुझे फाइव स्टार क्या टेन स्टार होटल में ठहरा दूंगा चलो यहाँ से ये औरत हमको घूर रही है तुम चलो ना हम आ रहे हैं अपने पति का असली रूप फोटो में किसी और औरत के साथ खड़ा था मैं ये पता लगा के ही रहूंगा मेरे पति गलत काम नहीं कर सकते वो लड़की उनके साथ काम करती है अपने दिमाग से ना गलत बातें निकाल दो बा, 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 बा। अरे साथ काम करती है तो फोटो में चिपक के क्यों खड़ी है वो इतना विश्वास करना अच्छी बात नहीं है सनिया तुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं अंदर जाकर देखता हूँ तू यहीं रुकना हेलो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप किसकी तस्वीर देख रहे थे अच्छा तुम कब आए बस अभी अभी जिस लड़की के साथ आप इस फोटो में खड़े हैं वो लड़की कौन है बताइए ना ए, तुझे अभी बताऊं अरे रे अरे गुस्सा मत होइए डॉक्टर साहब मुझे पता है आप फ्लैशबैक में गए थे मुझे तो बता दीजिए वो लड़की कौन है हाँ, त्रिपुरा मुझे कुछ काम याद आ गया मैं फ्रेश होके आता हूँ तुम खाना लगा दो ओके अच्छा तो अपने बेटे को लॉन्च करने की सोच रहे हो मामूली लॉन्च नहीं है भाई कार लॉरी हेलीकॉप्टर और रॉकेट ये सब हमारी पिक्चर में इस्तेमाल हो रहे हैं फिल्म सुपरहिट होना रहा है यार इसने एक्टिंग सीखी है क्या उनका नाम क्या है सत्यानंद हाँ सत्यानंद रामानंद ब्रह्मानंद इन सब के पास हाँ इन सब से इसने ट्रेनिंग ली है
जरा आपने एक्टिंग का एक छोटा सा नमूना दिखा दे बड़ा। अम्मा गाना दो ना, अम्मा गाना दो ना। सन्यासी जी कहाँ जा रहे हो एक्टिंग बगाना? अयो अम्मा गाना दो ना। अरे भाई अप्पा गाना दो ना, मेरे को बहुत जोर का भूख लगा, खाने को दो ना। मेरे पेट में चूहे कूद रहे, कब से खाने को दो ना। मामूली एक्टर नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। एक बार तू पर्दे पे आ गया ना, सबकी नजरें चकाचौंध हो जाएगी। रेड्डी साहब आपका बेटा सुपरस्टार बनेगा, सुपरस्टार। तो नहीं कर रहे हो ना? मजाक क्या, मैं तो इसका फैन हो गया, फैन हो गया, फैन। कैसी असली भिखारी जैसी एक्टिंग कर रहा है, जैसे जन्म जन्मांतर का भूखा हो। लेकिन इसकी असलियत मैं समझता हूँ, इसको चिकन प्रॉन्स और मटन चाहिए, है ना बेटा? सही बात है, सच में भिखारी लग रहा है। माता जी खाना दीजिए, और अभी दीजिए खाना, आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है अम्मा, ऊपर वाला आपको खुश रखे, हमारी यही बहुत हो गया। ये नौकरानी घूर क्या रही है? तुझे मेरा बेटा भिखारी लगा क्या जो उसकी प्लेट में आकर खाना फेंक दिया तूने? तुम नौकरानी हो, कोई महारानी नहीं हो, अपनी औकात में रहना आगे से। उसे माफ कर दीजिए ना, गलती से हो गया। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। तो अभी इसकी एक और एक्टिंग का नमूना देखिए ना। एक और एक्टिंग? एक और एक्टिंग? हॉस्पिटल का टाइम हो गया, चलता हूँ, फिर कभी देखेंगे। इसकी एक्टिंग देखकर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई? वेरी बैड। अरे क्या रेड्डी साहब, ये डॉक्टर है, डॉक्टर। आप डॉक्टर हैं? ठीक है, जाइए। त्रिपुरा, ए ये क्या कर रहा है? बस टाइम पास कर रहा हूँ। और अब सुनो, बाहर से हमने खाना ऑर्डर कर लिया था, हमने खा लिया है, अंदर तुम्हारे लिए रखा है, जाके खा लेना। और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब ना करूं? हट। त्रिपुरा। हाँ यही हूँ, कहिए। तुम्हारे लिए गिफ्ट, चांदी की पायल, बहुत अच्छी है। अच्छी है, इसे पहनोगी तो ये और अच्छी लगेगी। पत्नी के लिए तो ले आए, लेकिन घर में आए मेहमान के लिए तो कुछ नहीं। ले तू पहन ले। हाँ, तुम तो यही चाहोगे कि मैं पायल पहनूं, लड़कियों की तरह घूमूं और चौराहे पे नौटंकी करूं, है ना? कल आना तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा लेके आना। तू है तर। मैं? हाँ, त्रिपुरा, ये लो। मैं नहाने के बाद। ठीक। दवाई दे दो, ठीक है? आपने मेरी पायल देखी? मैंने तो तुम्हें दी थी। क्या आपने कहीं छुपाई है? मैं क्यों छुपाऊंगा, तुमने कहाँ रखी थी? मैंने यहीं रखी थी। फिर कहाँ चली गई? अब पता नहीं कहाँ गई, यहीं रखकर तो मैं नहाने गई थी। किसी ने छुपा दी होगी, लगता है सन्यासी का ही काम है, उससे पूछो जाके। सन्यासी, क्या लुक दे रहा है मेरा बेटा? मुझे लगता है वो किसी अलग दुनिया में जाकर कृष्ण के जैसे रासलीला में मगन हो रहा है। ओए, क्या लुक है? ये कोई बाबोले लुक नहीं है। अरे लुक तो देखिए, इसका कलर देखिए और इसकी टोन देखिए, इसे कहते हैं सुपरस्टार। एक छोटी की बात है रेड्डी साहब, अगर डायरेक्टर का डेट आगे पीछे हो गया तो आप उदास बिल्कुल मत होना। मैं किस लिए हूँ? डायरेक्टरों की लाइन लगा दूंगा मैं। भिखारी देवदास बनाएंगे, धूम 14 बनाएंगे, अरे 150 फिल्मों की लाइन लगा दूंगा मैं। अच्छा ये तो बताओ कि इस फिल्म का राइटर कौन होगा? हाँ, करण अर्जुन खुद होगा। करण जोहर, लेकिन क्या डायलॉग खुद लिखेगा? मेरी गारंटी। वास्तव तो ठीक है। और सन्यासी, तुमने मेरी पायल देखी? क्या पूछ रही हो? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैंने ही पायल ली है। तुम्हारे घर में कुछ दिन के लिए क्या आ गया, मुझ पे शक करने लगी थी, तुमसे शादी नहीं की, उतना दुख नहीं हुआ जितना आज हो रहा है मुझे। मुझे बहुत दुख हुआ, I'm really hurt। सन्यासी, सन्यासी ऐसा काम नहीं करेगा, ये तो पैंट और शर्ट पहनता है, लगता है किसी ने अपनी साड़ी में पायल छुपाई होगी। पीछे देखो, मेरा शक सही है। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी गंगा तो बहुत साफ है, चोर तो हम है जो हम पे शक कर रही हो तुम। बहुत गलत बात है। वापस नीचे आ जा, लगता है हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं अपनी फिल्म की मेकिंग देख रहा हूँ। फिल्म शुरू तो हो जाने दे। अरे रेड्डी साहब, ये नॉर्मल हीरो नहीं है, फिल्म शुरू होने से पहले इसने फिल्म बना ली है। क्या करूँ, कौन सी प्रजाति का ये? यहाँ से गई कि नहीं? सन्यासी, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बेटे की फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।
सारी इंडस्ट्री में एक ही नाम होगा, मेडिसन 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 सुपरस्टार। अच्छा उसके पहले मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, क्या हमारी फिल्म के लिए विनायक डेट देगा? नहीं दिया तो इंडस्ट्री में नहीं रहने दूंगा। क्या बोले, इंडस्ट्री में नहीं रहने देगा? मेरा मतलब वो नहीं था रेड्डी साहब, अगर हमारा डायरेक्टर बिजी रहा ना तो हम सिंघम के डायरेक्टर से फिल्म बनवा लेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो ऑलरेडी कैरेक्टर में घुस गया। देखो ठीक से देखो, ठीक है, हमें किसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, इसे देखने को बोलो ना पापा। मेरी तरफ देखो, मैं सिंघम जैसा लगता हूँ? बीमारी लगते हो? मेरा प्यारा बेटा, प्यारा बेटा। आपका बेटा सही कैरेक्टर पकड़ता है, इसकी लाइफ सेट है। मेरी बात सुनो, अब तो बनेगी सिंघम 2। ये एकदम फाइनल है, तुम आगे बढ़ो, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। सिंघम 2 तो बन चुकी है। ये क्या बोल रहे हो, टेंशन मतलब बहुत पैसा है मेरे पास। सुनिए, इसे हीरोइन नहीं, इसे विलेन भी बना सकते हैं। अरे ये ऐसी आवाज क्यों निकल रहा है, डायनासोर जैसा लग रहा है। वाला इसको दिखा दे अपने विलेन की एक्टिंग जरा। अरे ओ देखो उरा साबा। अरे सन्ना जी क्या हुआ, उसका डायलॉग सुन के बेहोश क्यों हो गया? अरे एक्टिंग ठीक ही बेहोश हो गया। पापा बताओ ना ये आवाज कैसी है? पायल की आवाज है। देख लगता है त्रिपुरा की पायल इसी ने चुराई। मैं तो पहले से ही जानता था ये मामूली औरत नहीं है, चोर उचक्की है। बुरा तुमने क्या किया? रेड्डी साहब आपका अनुमान बिल्कुल सही था, मैं अभी जाकर इसके कान के नीचे बजा के आता हूँ। इसे तो मेरा बेटा ही सही ढंग से समझाएगा। सुन, तू जाकर उसको ऐसा सबक सिखा कि वो जिंदगी भर, हाँ वो जिंदगी भर याद रखे। जाकर बेटा उसकी आज तो तू बजा दे बैंड। बजा देना बैंड। जा, 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 अभी आपकी समाधि बनाता हूँ। मेरी नहीं उसकी समाधि बना, वरना तेरी पिक्चर को फाइनेंस कौन करेगा मेरा भूत? चल फुट। अरे दुनिया वालों मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। क्यों गंगे मुझसे लेगी पंगे? अब बता क्यों आई है? अरे ओ अच्छा मियाँ बता। छमिया किसे बोला रे, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मुझे मार कर मेरी समाधि बनाएगा, यही कहा था ना? ये ले बनने समाधि। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे बाप ने मुझे यहाँ पर भेजा। मेरे बेटे ने उसका तबला बजाना शुरू कर दिया होगा, पूरे गांव में भगाया होगा। ये तो मेरे बेटे की आवाज़ है। ये तू क्या हुआ, क्या हुआ? तू तो उसे मारने गया था ना, आखिर हुआ क्या? तू वापस क्यों आ गया? भूत वो मुझे वापस मार रही थी। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी ज्यादा नहीं सीधा। अरे पापा मेरी बात सुनो। ठीक है, चुप कर चुप कर। आज तो दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। तू यहाँ पर बैठ, मैं देख कर आता हूँ क्या असलियत है। तू चुप कर, शांति से बैठ, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखा कर आता हूँ। लेकिन रेड्डी साहब, ये गुंगी गंगा कहाँ है तू? यहाँ। गुंगी औरत, पता तूने मेरे बेटे के साथ आखिर क्या किया? वो डर के मारे थर थर कांप रहा है। जरा इस तरफ देखो, मैंने कहा इस तरफ देख, देख इस तरफ। तूने मुझे गूंगी कहा? मैं तो अच्छे अच्छों को गूंगा कर दूं। तूने कहा कि मैंने पायल चुराई है, यानी मैं चोर हूँ क्या मोटे? मेरी भूत रानी मुझे माफ कर दे, तूने नहीं किसी और ने चुराया होगा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। एक्टर बनना है, एक्टिंग तो आती नहीं तुझे। आइए। क्यों रेड्डी साहब, आपको देखने से लगता है कि आप उसकी पूरी तरह से बैंड बजा के आए हैं। पूरा गेम उल्टा हो गया रे। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा वो रोना चालू हो गए, मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं चुराया। ये सब सुनकर मुझे उस पे तरस आ गया, तो मैंने उसको जाने दिया। क्या कर दिया? आप तो उसे मारने गए थे ना, उसने मेरी जान त्रिपुरा का पायल चुराया था और आपने उसे माफ कर दिया। आप उम्र में बड़े इसलिए वहाँ जाने दिया, लगा था थप्पड़ मारकर पायल ले आओगे, आपने तो उसे बिना कुछ किए ही छोड़ दिया। मैं जाकर पायल लेके आता हूँ। समझे, जरा बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उधर जाएगा तो ये खुद ही समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा बे? तू मुझे ललकार मत समझा, आपको तो आके देख लूंगा। अच्छा रेड्डी साहब, बता दूं कि अगर मैं उसे मारूं, उसके रोने से या चीखने चिल्लाने से कोई आवाज आए तो आप लोग बाहर नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें जो साउंड निकलवाना निकलवाओ, जाओ तुम। बस तुम सही सलामत आ जाना, बेस्ट ऑफ लक। पापा
उसने मुझे बहुत मारा। तुझे क्या लगता है उसने मुझे कुछ भी नहीं किया? अरे तो मैं यहाँ हूँ, जरा मेरे पास तो माय बेबी, माय बेबी बेबी बेबी, तेरी बेबी तो यहाँ झूला झूल रही है। माय बेबी बेबी बेबी, मेरी गुड़िया झूला झूल रही है। तुझे एक बात बताओ, तेरे घर में जो नौकरानी है ना, उसी ने तुम्हारे पायल चुराए हैं। मैं उसे पकड़ कर इतना मारूंगा कि वो जिंदगी भर कभी चोरी करने की सोचेगी भी नहीं। एक बार मैं उसे पायल ले लूं, फिर मैं सोने चला जाऊंगा। झूला झूलने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ बहुत बहुत मजा। मुझे तो लगा था कि त्रिपुरा झूला झूल रही है। तीन बार और। देखो मुझे पायल वायल कुछ नहीं चाहिए, चाहो तो तुम ही रख लो, उसे बेचना है पहनना है जो करना है कर लो, लेकिन मुझे डरो मत वरना मेरी बहन गिली हो जाएगी। साउंड तो खत्म हो गया, वो अभी एंट्री मारेगा। लगता है वो आ रहा है यहाँ। आ रहा है। अरे बैठो। क्या हुआ, आपकी भी बजा डाली? लगता है बहुत तबीयत से बजाई है बहन। अरे बहुत खतरनाक है वो, हमको मार ही डालती। हम तो जा रहे हैं यहाँ से, तुम रहो यहाँ पर। बेटी साहब, वो तो भूत है, वो चाहे तो बाहर जाके भी मार सकती है। अगर हम मर गए तो क्या सन्यासी, अब मैं तो इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। मैं तो अब जा रहा हूँ, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो पापा। हाँ बोलो बेटा। कल रात इतनी मार पड़ी कि पूरा तन बदन दर्द कर रहा है। क्या बताओ पापा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? पूरा अता मिजा तो अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ लेकिन फिल्म में काम करने वाले थे वो। अब नहीं करेंगे। त्रिपुरा, रात के एक्शन के बाद ना तो इसे हीरो बनना है और ना ही मुझे फिल्म बनानी। हम तो जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। कॉफी पीकर तो जाइए। अरे कॉफी के चक्कर में हम लोग लेट हो जाएंगे, तब तक तो हम हमारे घर पहुँच जाएंगे, वहाँ पी लेंगे। त्रिपुरा मैं भी जा रहा हूँ। सनिया से तुम भी जा रहे हो? मुझे यहाँ रहकर मरना है क्या? मैं तो कहता तुम भी यहाँ मत रहो, तुम्हारे इस महल में भूत का साया है। सुन लो त्रिपुरा, मैंने तुझे बता दिया है, देखना तुम्हें और तुम्हारे पति को वो बुरी आत्मा जिंदा नहीं छोड़ेगी। भूत भूत करके मुझे डराओ मत। चलो सैंडलवुड में जाके ट्राई करेंगे। चलो डैडी, हम हॉलीवुड में ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। मुझे वो और उसका एक्स्ट्रा लगेज, क्या आदमी था। देखो मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, पता है। छी छी, आप क्यों किसी के फैन होंगे, आप तो खुद हीरो हैं। एक बात बताऊं, कॉलेज में इसके पीछे कितनी लड़कियां थी, लड़कियों की लाइन लगती थी। ईशा भी तो थी उसमें, क्यों? है ना? ए, चुप बैठ। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए ना। बताने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा ईशा के केस का क्या हुआ? ईशा मर चुकी है, उसकी लाश मिली क्या? तो फिर तिलक तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो मर गई? बस ऐसे ही गेस कर रहा हूँ। ईशा के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझसे? ईशा के बारे में जानने के लिए तुमसे अच्छा कौन हो सकता है? कहीं तुम दोनों के बीच? ईशा के मर्डर से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो मर्डर ही है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। एनीवे, ईशा मर्डर केस से तुम्हारा संबंध है या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन तुम्हारे और ईशा के बीच में कोई संबंध था ये तो सब जानते हैं। ए, किसने बताया? उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं था। हाँ था। नहीं था। हाँ था। नहीं था। बिल्कुल था। नहीं था। ये सच है। नहीं था, नहीं था, नहीं था। हे, कूल कूल कूल। देखो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते नहीं, एक दोस्त होने के नाते। ए, तुझे तो सब कुछ पता है ना? पता होता तो तुझसे पूछताछ थोड़ी करता। लड़कियों के मामले में तू पहले से खिलाड़ी रह चुका है। कितनी बार बोलूं यार, ईशा और मेरे बीच कुछ भी नहीं था। अगर कुछ नहीं था तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो मैं क्या करूं, उसके गायब होने के पीछे मैं कारण हूं क्या? कोई सबूत है तेरे पास? मिसिंग होने के एक दिन पहले उसने तुम्हें फोन किया था, बताओ क्यों किया था? जिस दिन वो गायब हुई उस शाम 7:40 पर तुम दोनों ने 4 मिनट बात की थी। फिर 8:30 पर तुम दोनों ने 2 मिनट के लिए बात की। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे तुम? उसने तुम्हें 132 टेक्स्ट मैसेजेस भेजे थे जिसमें आई लव यू, आई मिस यू, आई कांट लिव विदाउट यू, सो प्लीज डोंट लिव मी, ऐसा सब लिखा था। तो इस बारे में तुम अब क्या कहोगे? क्या हुआ था उस दिन? दोनों में झगड़ा हुआ। किस बात से? पता नहीं। उस रात तुम कहां थे? घर पर ही था। तुम घर पर ही थे, इसका कोई सबूत? हाँ सबूत है, सुभाष भी था।
जो अब जिंदा नहीं है। सो कौन यकीन करेगा? ये तो सिर्फ इंसानियत की वजह से और तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैं तुम्हें यहां बैठकर पूछ रहा हूं। जरूरत पड़ने पर मैं अपना पावर इस्तेमाल कर सकता हूं और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। खूनी चाहे कोई भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। इस कलाई में राखी बांधी थी, ईशा का कातिल बचेगा नहीं। मेम साहब। हाँ? क्या हुआ काका? गांव से अर्जेंट फोन आया था, मुझे 4 दिन के लिए गांव जाना होगा। ठीक है, जाइए। धन्यवाद मेम साहब, चल बिटिया। जरा सुनिए, सोप कहाँ होंगे? मैं भी आपके जैसे कस्टमर हूँ, शॉप अटेंडेंट से पूछिए। आप? इसने तो मुझे पहचान लिया। हे, रुको। रुको। हे, उस दिन तुम ही थे ना? मैं नहीं था। मैं नहीं था। हे, तुम ही आए थे ना मेरे घर पर, मुझसे बदतमीजी की थी ना तुमने, बोला? क्या हुआ मैडम? इसने जो हरकत की थी उसकी तो सजा इसे मिलनी ही चाहिए। तुम्हें तो रेप केस में जेल होनी चाहिए। नहीं मैडम, ए तुम जाओ यहाँ से। हे, तुम बताओ। बस करो मैडम। क्या? मैंने आप पर रेप करने की कोशिश की? आपको कोई गलतफहमी हुई है? आपके पति के प्रोफेसर ने मुझे फोन किया और उसने जैसे बताया वैसे मैंने एक्टिंग किया। तुमने एक्टिंग की थी? हाँ। मुझे वो प्लंबर दिखा है? आज मॉल में मुझे वो प्लंबर मिला था। कौन सा प्लंबर? वही प्लंबर जो उस दिन घर पर आया था। हाँ तो? उस दिन वो एक्टिंग कर रहा था और ये सब उसे प्रोफेसर ने कहा था। उसे तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। ट्रीटमेंट के लिए? कोई ऐसा करता है क्या? अगर वो सच में रेप कर देता तो कहीं वो मर जाता तो इसकी क्या जरूरत थी? ए, क्या बहस कर रही हो? कहा ना ये ट्रीटमेंट था, नहीं समझ आता तो अंदर जाओ। क्या कहा? बहस कर रही हूँ? ये आप कह रहे हैं? आपने मेरी परमिशन ली थी, मेरी मर्जी से किया था ये सब? तुम्हें समझ नहीं आएगा, अंदर जाओ। मुझे क्या समझ नहीं आ रहा? सब समझती हूँ मैं। क्या समझती हो? मैं सब समझती हूँ। मैंने उस दिन देखी थी लैपटॉप में आप दोनों की फोटो, दोनों साथ में थे रेस्टोरेंट में। जब आपका दोस्त आपसे पूछताछ कर रहा था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बोलो, इसका क्या मतलब हुआ? ईशा के बारे में जब भी आपसे कुछ बात पूछती हूँ तो आप बात ही बदल देते हैं। ए, पागलों जैसी बात मत करो। मैं पागल नहीं हूँ। शादी के बाद आप मुझे पागल बना रहे हैं, मुझे भी नचा रहे हैं। सच पूछिए तो मुझे आप पर शक हो रहा है। ईशा के साथ क्या किया? मार डाला उसे? बोलिए, क्यों कुछ बोलते नहीं? पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन ईशा मर चुकी है। ईशा मर गई? आपने मारा है उसे? हाँ मैंने मारा है, ईशा को मैंने ही मारा है। अब क्या करोगी? ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी मार डालूंगा। जाओ यहाँ से। Excuse me, डॉक्टर। त्रिपुरा, आ जाओ, आ जाओ, आओ बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। ईशा और मेरे पति के बीच में क्या रिश्ता था डॉक्टर? ओह, मैंने तो सोचा कि प्लंबर भेजने के कारण तुम मुझे डांटने आई हो। आपका प्लंबर को भेजना ट्रीटमेंट का हिस्सा था, ये ठीक है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आपकी बात सुनने के बाद ही मैं कोई फैसला करूंगी। देखो, उन दोनों के बीच में क्या था ये मैं नहीं जानता। फिलहाल एक लापता है और एक मुंह नहीं खोल रहा। उन दोनों को करीब से देखने पर ऐसा लगता है वो शादी करने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप बेझिझक बताइए डॉक्टर।
नवीन की बातों से लगता है कि ठीक है डॉक्टर, आपको सब कुछ मालूम था फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कोई बात नहीं। सुनो त्रिपुरा, त्रिपुरा सिस्टर। यस मैडम। डॉक्टर ईशा का एड्रेस एमवी कोर्टयार्ड एमजी रोड। आपको कौन चाहिए मैडम? डॉक्टर ईशा। वो यहीं रहती हैं। क्या आप उनकी सहेली हैं? हाँ। अभी तो वो नहीं है लेकिन मैं आपको चाबी दे सकता हूँ। हाँ। छोटी सी दुनिया है, मैं और मेरे पिताजी। मेरे हर जन्मदिन पर मुझे पिताजी ही शुभकामनाएं भेजते थे, लेकिन इस साल ये किसने रखा होगा? सरप्राइज। हाँ? तिलक, यू? प्लान मेरा नहीं है, नवीन का है। नवीन, रुको। हैप्पी बर्थडे। नवीन के साथ मेरा रिलेशन कलीग से ज्यादा क्लोज फ्रेंड का था और मुझे ऐसा लगने लगा कि वही मेरा लाइफ पार्टनर होगा, लेकिन ये पता नहीं था कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, पर उसे मेरे प्यार के बारे में मालूम था। ऐसा लगता था कि प्यार के विषय में नवीन मुझसे दूर रहता था और मैं चाहती थी कि ये दूरी सांसों की दूरी से भी कम हो जाए। एक दिन तिलक, मैंने तिलक को अपने फ्लैट में बुलाया। क्या कोई अर्जेंट काम है क्या? आओ अंदर आओ। ईशा क्या बात है बताओ। क्लोज योर आईज। पर क्यों? आंखें बंद करो। ओके, हैप्पी? हाँ। हाथ आगे बढ़ाओ। You are my best brother. अब खुश? Thank you. सिर्फ thanks ही कहोगे? तुम जो मांगोगी मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? मुझे नवीन चाहिए। मैंने तिलक के जरिए नवीन को प्रपोज करने का फैसला किया। मुझे क्यों बुलाया? वो तुम जरा घबराओ कम और मुझे बताओ बात क्या है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नवीन, अगर तुम मेरे साथ जिंदगी बिताओगे तो। देखो ये साथ में रहने की बात छोड़ दो। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं सुभाष से प्यार करता हूँ, मुझे तिलक से प्यार है, मुझे तुमसे भी प्यार है। मेरा मतलब वैसा प्यार नहीं है, तुम जरा सोच कर बताओ प्लीज। आई रियली डू लव यू। देखो लव च्यूइंग गम की तरह होता है, जब तक मिठास है अच्छा लगता है, जब मिठास चली जाती है ना। नवीन, नवीन ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, लेकिन उसके प्रति मेरे मन में कोई बुराई नहीं थी। उसके बाद नवीन मुझसे ज्यादा क्लोज नहीं रहता था, धीरे धीरे मुझे अवॉइड करने लगा। मैं परेशान हो गई थी, नवीन के पीछे पागल होकर मैं उसे रोज फोन करती थी। कुछ दिनों बाद उसने मेरे फोन अटेंड करना भी बंद कर दिया, तो मैंने दूसरे नंबर से उसे फोन किया। नवीन ने फोन उठाया। हेलो नवीन, फोन मत रखना प्लीज, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। तो तुम हो? प्लीज आई एम बेगिंग यू। बोलो नवीन,
प्लीज एक्सेप्ट माई लव। डैमिट, तू पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू, मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, अगर एक घंटे में तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सच में मर जाऊंगी। ए, तू क्या मरेगी? तेरे इस टॉर्चर के लिए मैं खुद ही आकर तुझे मार दूंगा। नवीन मुझ पर बहुत गुस्सा हो गया था। अगर नवीन ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रात 8:30 बजे नवीन ने मुझे फोन किया और मुझे उसके फार्म हाउस पर बुलाया। हेलो ईशा, एक घंटे में तुम मेरे फार्म हाउस पहुंच जाओ। Are you sure? Yeah, sure. You can trust me. Okay, 45 minutes में पहुंच जाऊंगी। एक तरफ नवीन ने मुझे बुलाया इस बात की खुशी तो थी, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का डर था कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसी सोच में मैं फार्म हाउस चली गई। नवीन ने उसे बुलाया था। सारे जहां से छुप कर देखो, रहो मेरी नजरों में, मेरी सांसों में बसा है तुम्हारा ये प्यार प्यारा। कैसा दीवाना प्यार है ये, कोई बता देना मुझे। कुछ भी मुझको समझ ना आए, कैसा दीवाना प्यार है ये। सारे जहां से चुप कर देखो, रहो मेरी नजरों में, मेरी सांसों में बसा है तुम्हारा ये प्यार प्यारा। कहते हैं प्यार हम यही दे कांटे भर दे, क्यों हमें आखिर ऐसे मारे। जिंदगी बर्बाद कर दे, सूनापन क्यों सांसों में भर दे। छोटू एक चाय ला। अभी लाया। ये लीजिए चाय साहब। आपको क्या चाहिए? एक चाय ला। एक और चाय लाना। ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है सर। मुझे कहाँ देखा है? ए, बता तूने मुझे कहाँ देखा है? नहीं नहीं देखा है सर।
ऐसा प्यार है हम दोनों में, साथ फेरे लेके दोनों एक हो चुके हैं सदा के लिए। अब कोई भी तेरे मेरे बीच में नहीं आ सकता है मेरी जान। बोलो सर, नवीन ऑटो ड्राइवर को मार रहा है। What? ड्राइवर को अभी पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ओके सर। हेलो भैया, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। त्रिपुरा, तुम कहाँ हो अभी? अब मैं फार्म हाउस में हूँ। वीडियो कॉल हो सकता है? हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। ईशा के खूनी का पता चल गया है। नवीन ने ही ईशा का खून किया। उसका आई विटनेस है मेरे पास। नमस्कार, मैं ही वो ऑटो ड्राइवर हूँ जिसने ईशा जी को फार्म हाउस पे छोड़ा था। उस दिन ईशा मैडम अपना सेल फोन मेरे ऑटो में भूल गई थी और उस फोन को देने के लिए मैं वापस फार्म हाउस गया। वहां मैंने देखा नवीन साहब और उनके दोस्त नशे में थे। नशे की हालत में नवीन साहब एक तरफ थे और दूसरी तरफ ईशा मैडम की लाश पड़ी थी। मैं डर गया और जैसे तैसे मैं वहां से बच निकला। मेरी ये गलती हो गई कि मैंने ये बात पुलिस को पहले नहीं बताई और ये जानकर इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। मैडम, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, उन्होंने ईशा जी को कैसे मारा मुझे नहीं पता। त्रिपुरा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि उसका नेक्स्ट टारगेट तुम हो। हाँ, तुम ईशा के फ्लैट पर गई थी ना? हाँ गई थी भैया। तुमने ईशा के फ्लैट पर उसकी डायरी पढ़ी और ये बात नवीन को पता चल गई है। अब ध्यान से सुनो, अब जबकि तुम्हें ये सब पता है, वो तुम्हें भी जान से मार डालेगा। जिसे भी इस राज का पता चलेगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। तुम एक काम करो, इस केस के खत्म होने तक तुम अपने गाँव चली जाओ। हो सकता है कि वो तुम्हें मारने की कोशिश करे। सावधान रहना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। निकलो ना, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। सुनो, आओ सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये क्या कर दिया पागल? तुम पागल हो? जो लड़की तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, तुमने उसी का खून कर दिया। और मैंने तुमसे कभी इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैं पागल हूँ। हाँ नवीन, मैं पागल हूँ। ऐसा नहीं है त्रिपुरा, मैंने ईशा की डायरी पढ़ी है, ये बात तुम्हें पता चल गई है, इसलिए अब तुम मुझे मारोगे, है ना? नहीं त्रिपुरा। ए, मुझे कुछ नहीं सुना। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम मुझे मार दोगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। त्रिपुरा तुम ठीक हो? चल इसे मत छोड़ना भैया, इसे जिंदा मत छोड़ना। ऑटो ड्राइवर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह तूने ईशा को मारा था। तेरी बहन को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऑटो वाले ने सब बताया? हाँ सब बताया। अब तुम क्या बताना चाहते हो? हाँ बोलो, क्या बताना चाहते हो? क्यों इससे बात कर रहे हैं? इसने इतनी बड़ी गलती की फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। मार दीजिए इसे। देखो 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 उसे, देखो देखो एक बार देखो उसे। क्या है उसमें? क्या है उसमें बता, बोल क्या है उसमें, बोल 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 क्या है?
त्रिपुरा, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, एक बार मोबाइल देखो। तुम्हें सच पता चल जाएगा। प्लीज त्रिपुरा, एक बार उसे देख लो। मत देखो, इतनी देर से उस पर विश्वास नहीं कर रही, अब क्यों कर रही हो? उसका विश्वास मत करो। पैर हटाइए भैया, मुझे देखना है। देखना है तुम्हें? क्यों ऐसा कर रहा है? इसने कितना विश्वास किया तुझ पे? उसने मुझ पे विश्वास किया, यही गलत किया। हे, तुमने ईशा को क्यों मारा? जानना चाहता हूँ क्यों मारा? क्योंकि जब तुमने ईशा को फोन किया था, मैं सुभाष के साथ था। ये ईशा का प्यार ना मुझे पागल कर देगा। मैं उसे प्रपोज करने ही वाला था कि उसने मुझे राखी बांधी और गिफ्ट के तौर पर नवीन को मांग लिया। उसने बहुत गलत किया है। अब तो ईशा के लिए मेरा प्यार और भी बढ़ता जा रहा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे पाकर रहूंगा। उसके लिए चाहे नवीन को ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े, या फिर उन दोनों को। तिलक, नवीन का फोन आ रहा है, स्पीकर ऑन कर। हाँ, क्या बात है नवीन? सुनो, अर्जेंटली मेरे फ्लैट पर आ जाओ, तुमसे जरूरी बात करनी। क्या हुआ, इतने क्यों परेशान हो? वही यार, ईशा फिर से मुझे तंग कर रही है। कहती है अगर मैं उससे प्यार नहीं करूंगा तो खुदकुशी कर लेगी। फोन पर धमकी दे रही है, मुझे फंसाने पर तुली है। तुम वहीं रहो, मैं अभी आता हूं, ओके? फार्म हाउस, उसे फार्म हाउस पर बुलाओ, बुलाओ। तुम एक काम क्यों नहीं करते, ईशा को फार्म हाउस पर बुलाओ, हम वहीं बात करेंगे। हाँ ठीक है। छोटी छोटी बातों पर तुम इतना क्यों नाराज हो जाते हो? ए, आज मैं उसके टॉर्चर का फुल स्टॉप ही कर दूंगा। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं उसका गला घोट दूंगा और उसे मार डालूंगा। अरे यार, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम ऐसा कुछ मत करना। इस वक्त तुम कोई झगड़ा मत करना, अपने गुस्से पर काबू रखो, वरना बेकार के केस में फंस जाओगे। अरे दारू खत्म हो गई, मैं लेकर आता हूँ। तुम बैठो, मैं ले आता हूँ। अभी आया। ईशा इधर आएगी ना, हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हारा फोन लाओ, मैं पूछ के देखता हूँ। हाँ, उसे बोलो, बोलो यहाँ आएगी, उसे बोलो टॉर्चर करती है, टॉर्चर। हेलो ईशा, सुभाष बोल रहा हूँ। नवीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है, ऐसे वक्त पर झगड़ा मत करो, सुबह आराम से बात करते हैं, ओके? तिलक, तुमने जैसे प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। ईशा फार्म हाउस आ रही है, तुम उसके आने से पहले यहाँ जाओ। पूरी रात पड़ी है। यस। बस बस। ठीक है मैडम। हाय। हाय। अरे मैडम अपना फोन भूल गई है। नवीन नहीं आया, मुझे तो लगा वो पहुंच गया होगा। अरे ये दरवाजा क्यों बंद किया? नवीन कहाँ है भैया? कौन भैया? किसका भैया? भैया बोली तो तुझे मार डालूंगा। मैं तो पागल हूँ तेरे प्यार में, इतनी छोटी सी बात तू समझ नहीं पाई। और याद है तूने उस दिन क्या किया? मैं तुझे प्रपोज करने आया था और तूने मुझे राखी बांध कर हर्ट कर दिया। मुझे लगा इतना काफी होगा, लेकिन नहीं भैया, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है। अभी भी तू नहीं समझी मैं तेरा भैया नहीं, सैया हूँ। तुम इंसान नहीं जानवर हो। ए, तेरे नाटक बंद कर और जो मैं कहता हूँ वो कर। छोड़ो, चल मेरे साथ। मुझे प्लीज, नहीं चल, छोड़ो, नहीं प्लीज मुझे।
छोड़ दो। चल मेरे साथ ऐसे मत करो भैया। चल मेरे साथ चल, भैया बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा हूँ, प्लीज छोड़ दो। फुल एंजॉय। हाँ ऐसा क्या हो गया सर कि आपने मैडम को इस तरह से मार डाला? जो हुआ वो हुआ। लेकिन जो हुआ कैसे हुआ? अब आगे क्या करना है ये बता। समझ गया सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? आपका सरदर्द मतलब मेरा सरदर्द सर, मैं हूँ ना। चिंता मत कीजिए, लाश को ठिकाने लगा दूंगा। गुड। हो गया सर। इसी दीवार के पीछे ईशा की लाश को चुन दिया था, और जब केस को घुमाने का वक्त आया तो तूने क्या किया? तूने तेरी बीवी के सपने जाकर उस प्रोफेसर को बताए। तभी मुझे एक आइडिया आया। तेरे मरने का सपना सच करने के लिए मैंने ही तेरे खिलाफ सारे सबूत तैयार किए ताकि मैं बच जाऊं। ईशा के फ्लैट में डायरी भी मैंने रखी, और त्रिपुरा के मन में शक पैदा करने वाला भी मैं ही था। इतना अच्छा चल रहा था कि उस ऑटो ड्राइवर ने ईशा मर्डर केस का वीडियो दिखाकर सारा खेल बिगाड़ दिया। इसीलिए मैंने उस ऑटो ड्राइवर को टॉर्चर किया और धमका कर उसे आई विटनेस बनाया, ताकि कल जब मैं उसे कोर्ट में ले जाऊं तो वो गवाही दे कि इस खून को करने वाले तुम हो। तुम्हारी बीवी भी कमाल है यार, कितने प्यार से तुम्हें चाकू मारा है। जब किसी को जान से मारना हो तो ऐसे चाकू मारते हैं क्या? किसी को मारना है तो सीधे सिर पे गोली मारो। भैया कौन है? भैया सब नौटंकी करना बंद करो। तुम ईशा के जैसे बात करोगी तो मैं डर जाऊंगा क्या? मत विश्वास करो भैया। मत विश्वास करो भैया। मत विश्वास करो। कौन हो तुम? मार डालूंगा तुम्हें। तू मुझे मारेगा? हाँ? तुझे एक बात बता दूं, सुभाष को, ब्रोकर को मैंने ही मारा था। और अब तक मैंने तुझे क्यों नहीं मारा पता है? क्योंकि तू कितना नीच आदमी है ये नवीन को बताना था, अब समझा होगा। प्लीज मुझे कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। प्लीज
इसी तरह मैं तुम्हारे सामने भी गिड़गिड़ाई थी। तुमने सुना था? बोलो। गलती हो गई। सुना था तुमने?